Hey guys! वेलकम टू माय चैनल तो आप सभी का स्वागत है डिजीप्लेक्स पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाला उस फिल्म का नाम है सिंगम अगेन जी हाँ के ऊपर बात करेंगे और साथ ही इस फिल्म के जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आप सभी को बताने वालू इसके साथ ही फिल्म की ट्रेलर रिव्यू के ऊपर बात करेंगे ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट के ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही हाइप वगैरह के ऊपर बात करेंगे जो क्लैश होने जा रही है उसके ऊपर भी अपना ओपिनियन देने वाला हूँ और मूवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उनसे फैक्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही ओटीटी सेटेलाइट रिलीज एंड यूट्यूब रिलीज को लेकर जो अपडेट है उनसे भी, भी डिस्कस करने वाला हूँ साथ ही फिल्म की जो स्टोरी है क्या स्टोरी होने वाले किस हिसाब से कहानी दिखाई की पूरी ट्राई करेंगे तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा और साथ ही फिल्म का बजट जो कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी हिसाब से कलेक्शन कर सकते हो तो इसके ऊपर बात करेंगे तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को शुरू से लेकर तक इस वीडियो में जरूर बने रहेगा तो चलिए आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जी हा सो सिंगम अगेन फिल्म सिंगम अगेन फिल्म और ये फिल्म है अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों रोहित शेट्टी ने जिसको की प्रोड्यूस की जाएगी को प्रोड्यूसर उनके अंडर द प्रोडक्शन बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स उसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो एंड अजय देवगन फिल्म जिसके स्टार्स में आपको नजर आएंगे अजय देवगन के अलावा आपको नजर आएंगे करीना कपूर खान रणबीर सिंह अक्षय कपूर सॉरी अक्षय कुमार दीपिका पाडुकुन टाइगर शरफ अर्जुन कपूर एंड जेकी शरफ एंड मैं आपको

शूटिंग यहाँ पर मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड श्रीलंका में शूट किया हुआ है जिसको की रिलीज शेड्यूल है नवम्बर एक नवंबर सात को जो की कंसीडरिंग किया जा रहा है दिवाली को जो रिलीज डेट है ऑलरेडी आप सभी को बताया क्लैश है सो क्लैश so के ऊपर भी बात करेंगे दयानंद सेट्टी श्वेता तिवारी सिद्धार्थ जावेद एंड रवि किशन एंड ऑलरेडी सलमान खान का कैम ऑलरेडी हो चुका है एंड कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कौन सा क्या किरदार है तो अजय देवगन डी सी पी बा हम किरण में ना, कपूर खान आपको इस फिल्म में अवनी अभिन कमवत सिंगम की वाइफ की रोल में नजर आएंगे जो रिटर्न में उनकी कैरेक्टर थी वही रिटर्न कर रही है इस फिल्म में भी रणबीर सिंह एसीपी फी संग्राम उफ, सिंबा के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार अक्षय कुमार आपको इस फिल्म में डीसीपी वीरा के रोल में नजर आएंगे दीपिका पॉटुन एस पी शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ ई शिफी शतिया के रोल में नजर आएंगे अर्जुन कपूर आपको इस फिल्म में डेंजर लंका के रोल में नजर आएंगे जेकी शरफ आपको इस फिल्म में ओम हाफीज के रोल में नजर आएंगे दयानंद शेट्टी सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में नजर आएंगे श्विता तिवारी सुरती बक्षी के रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ जावेद आपको इस फिल्म सीनियर इंस्पेक्टर संतोष कावड़े के रोल में नजर आएंगे रवि किशन आपके इस मिनिस्टर के रोल में नजर आएंगे एंड सलमान खान सर का चुलबुल पांडे के कैरेक्टर उनका स्पेशल अपीयरेंस मूवी में है तो ये है कैरेक्टर कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल राइट्स की तो उसके बात कर लेते हुआ सोल्ड आउट किया हुआ तो है सो आप इससे आईडिया लगा सकते हो फिल्म का हाइप एंड एक करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं दोस्तों एंड फिल्म की बजट की अगर बात करें तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है तीन से लेकर तीन करोड़ के आसपास का बजट है तो मेसी फिल्म का बजट है और देखने काफी इंटरेस्टिंग है और आपसे भी को बताया फिल्म का जब ट्रेलर को रिलीज किया गया तो ऑलमोस्ट पांच मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है लाइक like, अमेजिंग था ट्रेलर लोगों को पसंद आया एंड लोगों कुछ लोगों का मिक्स मिक्स रिव्यूज भी रहे पर आई मैं आपको बताऊ तो ट्रेलर मुझे काफी कमाल का लगा था एंड ट्रेलर में भी हम लाइक हर कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है ऑलरेडी हमें दिखा चुका है जो कि काफी अच्छा था ऐसे भी इंट्रोडक्शन काफी बढ़िया थे सो so, वो काफी इंजॉय इंजॉयबल थे ट्रेलर में और साथ ही फिल्म के अंदर ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे एक्स्ट्रैक्ट भी दिखाए गए जो कि काफ़ी ठीक ठाक ही है पर ओवरऑल फिल्म की अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ट्रेलर काफी कम

वो देख ही सकते हो कि हर एक्टर को लाइक बड़े बड़े एक्टर को तो ट्रेलर में जगह देनी चाहिए एंड बिकॉज़ ये फिल्म काफी यूनिवर्स में है एंड सभी यूनिवर्स लाइक सभी को लाइक इस uh, सिंग एम रिटर्न में लाइक किया हुआ जैसे कि आप एवेंजर्स फिल्म में लाइक आप कह सकते हो कि सभी कैरेक्टर को एक फिल्म में एग्जुट किया हुआ है तो सभी को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी भी है तो सेम माइंडसेट के साथ फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया हुआ है एंड उसी के साथ फिल्म के एडिट किया हुआ है जिस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट फाइव मिनट फाइव मिनट का ट्रेलर आप सभी को नज़र आया एंड मेरे ओपिनियन ये ट्रेलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है बाकी आप हमें बता सकते हो कि ट्रेलर आपके लिए ट्रेलर आपके लिए कैसा था एंड ट्रेलर आपको देखते वक्त क्या फील आ रहा था किसी हिसाब ने किसी हिसाब ने लाइक किस तरह की एक्सपीरियंस आपको मिला है ट्रेलर देखते वक्त तो ये डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हूँ एंड मुझे ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा है एंड जो था मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे चुका हूँ रिव्यू भी दे चुका हूँ ब्रेक राउंड तो ऑलमोस्ट दे ही चुका हूँ एंड ट्रेलर में भी फिल्म की कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है क्या है क्या होने वाली है तो बेसिकली जो कहानी हमें दिखाई गई है जो ट्रेलर लेवल पर भी हमें दिखाई गई है और आप सभी को बताया कि रोहित शेट्टी फिल्मों के अंदर मार्श मसाला एक्शन मतलब काफ़ी बढ़िया होती है एंड इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के साथ एज ए राइटर के तौर पर डेब्यू भी किया हुआ तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि और किसी हिसाब से राइटिंग हालांकि डायरेक्शन तो उसकी काफी कमाल ही है पर देखते हैं कि राइटिंग में उनकी किस हिसाब से योगदान रहने वाला है एंड रहेगी राइटिंग में सो so, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म कैसे निकल कर आती है बेसिकली ट्रेलर में या फिर भी हमें दिखाया गया कि कि का जो कैरेक्टर है जो सिंगम सिंगम, उसी के को लिखी हुई है लाइक उसी को बचाने का काम हर एक कोई करने वाला है ट्रेलर में तो हमें यही दिखाया जा रहा है बाकी आ, क्या और ट्विस्ट है टंस्ट है ट्विस्ट अटेंस ट्विस्ट एंड हालांकि ट्रेलर लेवल तो यही दिखा गया। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि ट्रेलर में काफी सारी चीजें ऐसी है जो मतलब छुपाई जाती है काफी हद तक चीजों को मेकर्स ही रखते हैं कि काफ़ी। जितना हो सके चीजों को कम बताए और कम बताए पर इम्पेक्टफुल हो तो मेकर्स का ये हमेशा रहता है हर एडिटर ट्रेलर डायरेक्टर का यही रहता है कि हाँ उनकी फिल्म को लोग थिएटर्स आके कर देखे एंड वो जो सरप्राइजेस है वो थिएटर्स में ही पता चले ना कि ट्रेलर में तो हर कोई ऐसा ही चाहता है इसी इसी माइंड के साथ रिलीज भी किया गया है पर फिल्म को त, फिल्म की जो ट्रेलरस हैं ट्रेलर्स लाइक जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट अगर हुई थी जब सुनने को मिला था कि पाँच मिनट का ऑलमोस्ट ट्रेलर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पर जैसे सर ट्रेलर निकल गया तो फाइनली ट्रेलर लोगों को इंप्रेसिव करने में पूरी तरह से भी कामयाब हुआ है पर कुछ ऐसे लोग थे जो मिक्स उनका रिव्यू रहा पर ऐसा नहीं कि गलत है पर कहा तो सही है कि हाँ ये है एंड बेसिकली कैरेक्टर जो है वो काफ़ी थे बाकी देखते हैं कि करीना कपूर को कैरेक्टर का बचाने के साथ साथ और कई सारे मुद्दे नज़र आते हैं कि नहीं क्या होता है नहीं होता है तो ये तो इंटरेस्टिंग है बाकी कॉफी यूनिवर्स की जो फिल्म आई है, ऑलमोस्ट इसमें लेकर फाइव फिल्म है तो ये है और इंटरेस्टिंग है कि सलमान खान का जो कैम्यू है चुलबुल पांडे का तो उसको किसी हिसाब से फिल्म में प्रेजेंट किया जा रहा है सुनने में आ रहा है कि उसको पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट सीन में उनको लाइक इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैरेक्टर को छोटा सा लाइक अपीरियंस है तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेशली अगर मैं मूवी को देखूँगा तो सलमान सर के लिए सलमान सर के लिए, लिए बिकॉज बिएस, मैं बिगेस्ट फैन हूँ सर का तो यही है बाकी उन्हीं के लिए देखूंगा बाकी हालांकि उनका क्या था और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ बाकी पहले से तो था पर स्पेशली कैमियो के लिए काफ़ी मैं इंटरेस्टिंग हूँ कि क्या लाइक like क्या माहौल रहने वाला है थिएटर्स में तो ये एक अलग लेवल का है एंड क्लास किस क्लासेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं और आप सभी को पता है कि दिवाली दिवाली का रिलीज डेट शेड्यूल है एंड आप सभी को पता है कि इस डेट पर आप पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुले यात्री भी आ रही है एंड उस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो डेफ़िनेटली उस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है चाहे ट्रेलर को हो या फिर टीजर को लोगों काफी की तरफ से काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिला है ऑलमोस्ट इस हिसाब से लेकर ट्रेलर को मतलब रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ है तो लोग ऑडियंस तो दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड है पर मैं ज़्यादा इस फिल्म को लिए एक्साइटेड हूँ बाकी लोगों का तो पता नहीं पर मैं अपना इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज हॉर Comedy फिल्म फिल्में कुछ मुझे खास जमती नहीं है एंड जमती भी है पर कॉमेडी होनी चाहिए तभी जमती है पर बाकी ऐसे कॉमेडी हॉरर वगैरह मतलब वही होती है एंड ऑलरेडी बुलबुल या वन को तो ऑलरेडी देखा ही है और <coughs> को तो ऑलरेडी देख ही चुका हूँ तो ये है सो ये हैं बाकी लेट से क्या होता है कौन सी फिल्म बाजी मारती है पर आज के हिसाब से जिस लाइक हालांकि इतनी बड़ी फिल्म है, तो ऑलमोस्ट कलेक्शन तो करेगी ही और इसके साथ ही फ़िल्म की कहानी अगर और अच्छी निकल जाती है तो एक्सपेक्ट करना कि फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी हो सकता है कि पाँच सौ करोड़ भी क्रॉस कर सकती है या फिर उससे प्लस ही कट सकती है अगर फिल्म के कंटेंट अगर काफ़ी अच्छा है स्पेशली फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अगर स्ट्रॉन्ग आता है पॉजिटिव आता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी ये फिल्म एंड इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की प्राइमर्स की लाइक प्रीमाइज की, की किसी हिसाब से कहानी दिखाएगी तो ये कहानी दिखाई दिखाई जाएगी बाजीराव सिंघम को रावण में छिपे सुरागों और विवरणों का अनुसारण करना होगा जब उनकी पत्नी अवनी को आतंकवादी एजेंट लंका द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो इसी से रिलेटेड है और उनकी बीबी के साथ साथ तो आतंकवादी का भी दिखाया क्या है क्या, है, क्या नहीं आई डोंट नो पर ट्रेलर काफी अच्छा था पर यही था फिल्म की प्रेम है लाइक प्रेमाइज की अगर बात करें तो प्रेमाइज यही था जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ एंड ओ के बारे में बात ही लिया कि जो ओ टी डील हुई है काफ़ी मैसिव हुई है एंड शायद ही मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी बड़ी जो डील हुई है मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है आप एक्सपेक्ट तो करें एक करोड़ कम नहीं होते भाई एंड 130 करोड़ अगर थ्रेटिकल राइट्स बेच केयर और डिजिटल राइट्स है सेटेलाइट से राइट्स से, है तो डेफिनेटली कहीं ना कि ऑलमोस्ट के अगर बात करिए अगर एक सौ तीस करोड़ रुपए में अगर इस फिल्म की ओ टी राइट्स अगर सोल्ड आउट हुई है तो आप मान के चल ही सकते हो कि ऐसे लाइक थेटिकल तो हो ही जाएंगे लाइक कलेक्शन तो हो ही जाएंगे लाइक ओ से ही ओ टी डी सेटेलाइट है और अगर ओ के राइट्स तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर के ही पास ही जाएंगे एंड सेटेलाइट उन्हीं के पास जाएंगे म्यूजिक राइट्स उन्हीं के पास जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हाँ ऑलमोस्ट ढाई सौ करोड़ का तो लाइक रिकवर हो ही जाएगा जा जहाँ तक मुझे लगता है सो so ये मैं मानता तो, हूँ बाकी सेटेलाइट की अगर बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों मुझे सेटेलाइट के बारे में नहीं पता है कि कौन से सैटेलाइट लाइक कंपनी के पास इस फिल्म के राइट्स है तो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है पर आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर दोस्तों मुझे अगर पता चलता है या फिर इसके बारे में मुझे मालूम होता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट देने की जहां तक मुझे लगता है कि जी सिनेमा है जी सिनेमा ये हैं जो कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है क्योंकि जी सिनेमा जी सिनेमा ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है जी सिनेमा के पास इस फिल्म राइट्स राइट्स हैं तो आप जब भी, भी इस फिल्म को प्रीमियर की जाएगी तो ये फिल्म आपको सिर्फ प्रदप जीत सिन्हा के सैटेलाइट चैनल पर ही इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी तो ये तो ऑलरेडी कन्फर्म हो ही चुका है कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर इस फिल्म का आपको प्रीमियर देखने को मिलने वाली है और आप सभी को बताया कि हर कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टर पोस्टर को भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था सभी के ही कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज़ हुए थे लाइक अक्षय कुमार हो या हो दीपिका पाडुकोण हो टाइगर श्रॉफ हो अर्जुन कपूर हो लाइक सभी का कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज़ किया हुआ है एंड चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर आई थिंक सभी को बचाने का काम करेगा ही एंड कलेक्शन कलेक्शन को भी बचाने का काम करेगा मुझे जहाँ तक लगता है अगर उसको अगर लीक ना हो तो ये है बाकी हाँ फिल्म काफ़ी अच्छी करेगी अगर कहानियाँ अच्छी निकल कर आती है एंड काफ़ी जैसे कि स्ट्रिक्स छोटे मोटे जो स्ट्रिक्स दिखाए गए हैं उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आप सभी को ही बता चुका हूँ एंड ओवरऑल फिल्म को लेकर तो लोगों का काफ़ी अच्छा रहा बाकी एडवांस बुकिंग की अगर बात कर तो मे बी स्टार्ट हो ही जाएंगे एंड फिल्म की रिलीज़ डेट की अगर कर बात करें तो ऑलमोस्ट रिलीज़ के आई थिंक ऑलमोस्ट अभी भी एक वीक बचा हुआ है एंड एक बिग बात फिल्म को रिलीज़ की जाएगी इस फिल्म को सिनेमाघरों में और कार्तिक हरियन की फिल्म आ रही है हालांकि जिस हिसाब से भूल भुलैया टू ने कलेक्शन किया हुआ था वाकई काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आए थे एंड उस टाइम आई हालाँकि कोई फिल्म नहीं चल रही थी आई थिंक पैंडमिक के बाद वो फिल्म आई थी पैंडिक पैंडमिक के बाद नहीं पर हाँ लाइक उस टाइम मतलब फिल्में कमी चल रही थी तब मतलब फिल्में दी हैं काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की हैं तो ये हैं और बजट तो 300 से लाइक ज़्यादा ही है तो ये फिल्म का बजट है एंड कास्टिंग आप देख लो कास्टिंग में भी लाइक काफ़ी सारे एक्टर का और नाम देखने को मिल रहा है बाकी अगर ये कॉफ़ यूनिवर्स की अगर बात करें हालांकि कॉफ़ यूनिवर्स की कितनी फिल्में हिट हुई है नहीं हुई इसके बारे में तो नहीं ज़्यादा पता है पर क्योंकि उस टाइम में तो वीडियोज़ इस तरह की वीडियोज़ तो नहीं बनाता था, था। जिसलिए जिसीलिए कलेक्शन वगैरह के बारे में नहीं पता है तो ये है बाकी कौन सा उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जैसे अर्जुन कपूर उसका इस फिल्म उनका मेन विलन का रोल है बाकी उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने तो लोगों ने तो तारीफ ही की है सो ये है एंड इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें रणबीर की तो उनकी आई थिंक सिम्बा फिल्म ने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है जहाँ तक मुझे लगता है कि सिंह सिंह जो उनका सिम्बा फिल्म आई थी लाइक वो हिट आई थिंक वो ब्लॉक बोस्टर फिल्म हुई थी पर मुझे तो इतना ही पता है और हाँ सूर्या वंशी वो सुपर हिट फिल्म साबित हुई नो डाउट एंड जैसे कि सिंगम um, सिंगम um, रि, uh, रिटर्न वो फिल्म में भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की थी बॉक्स ऑफिस पर आई थिंक एंड सिंगम की अगर उसकी अगर बात करें लाइक कलेक्शन की वो सिम्बा की कलेक्शन की अगर बात करें तो चलिए कलेक्शन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं अगर कर लेते हैं हालांकि जहां तक मुझे जितना पता चलेगा उतना ही मैं आप सभी को बताऊंगा सो, सो कलेक्शन हाँ चार सौ करोड़ एस्टिमेटेड दिखा रहा बजट अराउंड एट्टी करोड़ तो चार सौ कलेक्शन क्या आई डोंट नो ये एक्जैक्ट कलेक्शन है कि नहीं पर मुझे नहीं पता पर ये फिल्म साल दो अट्ठारह में आई थी तो उसके बारे में तो नहीं पता पर सो so क्या होता हाँ रणबीर की फिल्में तो चलती है नो no डाउट उनकी रॉकी और प्रेम कहानी आई थी वो फिल्में भी चली थी एंड लोगों ने फिल्म को पसंद भी किया होता देखा था हालांकि इस फिल्म के ऊपर मुझे वीडियोज़ बनानी है बिकॉज <laughs> और इसके साथ ही रणबीर कपूर की जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब हमारा चैनल अच्छा तो इसी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आते थे और यही चाहिए चैनल को लीड कर रहे थे फ्यूज़ के मामले में तो खैर अभी भी इस फिल्म के ऊपर नहीं वीडियोज़ बना पाए तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि इस फिल्म के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो देखते दे हैं लड़स कब बना पाता हूँ एंड हालांकि इस फिल्म के ऊपर अभी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है पर डेफिनेटली ये बनानी तो चाहिए तो लेट्स सी ये पॉसिबल कब होता है लाइक ये कब होता है तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला तो लेट्स सी देखते हैं और इसके साथ ही बात रही सिंगम अगेन की मूवी के बारे में तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो डिटेल्स हैं आई थिंक सभी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी बताने लायक है इस फिल्म से रिलेटेड जो था एंड वो तो मैं आप सभी को खुलकर आप सभी को बता चुका हूँ एंड और क्या था भाई कुछ है बताने लायक कुछ नहीं है पर कोई बात नहीं पर वीडियो तो मुझे लंबी बनानी है और नहीं है और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की जब कलेक्शन की मेरी प्रोडक्शन की तो अभी भी फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है मे बी एडवांस है जो रिलीज डेट है ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है आई थिंक दो दिन पहले या फिर एक वीक पहले इसकी एडवांस वुकिंग जो स्टार्ट की जाएगी आई थिंक एडवांस वुकिंग का अनाउंसमेंट डेट तो देखा था हालांकि अभी याद नहीं आ रहा कि कौन से डेट पर एडवांस बुकिंग को अनाउंसमेंट किया जाएगा और किया जाने वाला था फिलहाल तो अभी डेट नहीं याद आ रहा है पर हाँ इस फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द की जाएगी एडवांस बुकिंग को लेकर एंड इसके साथ ही फिल्मिंग अभी काफ़ी सारी चीजें जिनके ऊपर अभी बात नहीं कर पाए भाई तो चलिए उसके ऊपर बात एक कर लेते हैं प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सितंबर साल सत्रह को रोहित शेट्टी के द्वारा अनाउंसमेंट किया था उनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म के तौर पर रणबीर कपूर के साथ एंड उन्होंने रिवील किया था थर्ड इंस्टॉलमेंट को सिंग फ्रेंचाइज को एंड उन्होंने लिखा एंड डायरेक्टिवी किया था ये भी रिवील किया गया था जिसमें के देवगन फीचर है एंड उसके साथ साथ थी बाद में रिवील किया गया कि प्रोडक्शन डॉट बट डिड नॉट रिवील प्रोडक्शन जनवरी सात हजार बीस को अजय देवघ ने हिंट दिया था वर्क को लेकर था इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट को लेकर फ्रेंचाइज को लेकर जिसके का, जिसको किए इसलिए नाम दिया गया था सिंगम थ्री करके इसके बाद सूर्य इस वंशी चीज जो की सात हजार इगारह में ऐसी जो कि कॉफ यूनिवर्स का ही पार्ट था सिंगम फ्रेंचाइज जो कि रिपोर्ट आया रिप्राइज की जाएगी फिल्म को लेकर कैरेक्टर को भी ली, आ लेके आया जाएगा और लेटर जो जनवरी सात तरीके उसके प्रोडक्शन को रिपोर्ट है कि रनीश शेट्टी ने फ्रेंचाइज को वर्क कर दिया है जो सर्कस के बाद उन्होंने किया था जगह शराब ने रिपोर्ट किया था कि मैन एंड एंटेगनिस्ट का लेकिन उसके अलावा अक्षय कुमार रणबीर सिंह एंड और रिपोर्ट आया कि नवम्बर को उनके पुरानी फिल्म को जो कैरेक्टर सिम्बा का उनका भी कैरेक्टर रिप्राइज हो रहा है होने जा रहा है इसके साथ ही एक दिसंबर के बीस अनाउंसमेंट किया था प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिसियली और फिल्म के टाइटल को अनाउंसमेंट किया था अनाउंस किया था प्रोडक्शन करके एंड उसको नाम दिया गया था एंड जैसे वो वो ने फिनिश किया था वोला फिल्म की शूटिंग जो कि साल वो फिल्म तेईस में आई थी इसके साथ ही कास्टिंग की अगर बात करें तो अजय देवगन करीना कपूर खान अक्षय कुमार रणबीर कपूर जय के सर अपने दयानंद सेट्टी एंड अदर जो रिमेनिंग एक्टर्स थे उनको रिप्राइज किया गया था रिस्पेक्टिवली उनके रोल्स के लिए प्रीवियस फिल्मों के लिए जो कि कॉफी यूनिवर्स में किया गया था दीपिका भार्टो उन टाइगर शराब है श्वेता तिवारी की अगर बात करें जो कि ऐड किया गया इस फिल्म के लिए लेटर अर्जुन कपूर का जो रूप फरवरी सात होतीस में आया था कि वो उस फिल्म से बाहर है पर उनका कैरेक्टर रिपोर्ट आया कि नहीं श्रीलंक मिलिटेंट करके वो कैरेक्टर मूवी में है सेप्ट उन्नीस सौ बाईस में चौबीस में रूमर्स ये भी था कि सलमान खान लाइक रूमर्स फैल रहे थे कि सलमान खान का कैमियो होगा पर चलो पांडे का लेटर ये कंसिडर किया था सलमान खान को पर नहीं था पर फ्यू डेज से लेटर ये कंफर्म हो चुका था हाँ, उस फिल्म का कन्फर्म है एंड दोस्तों मूवी के फिल्मिंग की अगर बात करें तो पिंसल फोटोग्राफी को सप्टेमर साल तो इसमें रखा गया था मूर्त पूजा रखा गया था इसरा स्टूडियो मुंबई में एंड फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल था उसको सेम लोकेशन में भी किया गया जिसमें कि रणबीर सिंह एंड ऑल्सो शेड्यूल में, में थे और सुविधा तिवारी भी ऑलरेडी ज्वाइन थे करीना कपूर भी थे सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो पाँच अक्टूबर से हैदराबाद को रखा था जो कि मेजर पर्सन को सूट किया था एंड ऑल्सो कास्ट मेम्बर ध्यान करने को पूर्वी ऑलरेडी ज्वाइन थे एंड्स छः अक्टूबर अजय देवगन को अक्षय कुमार को रिवील किया गया टाइगर शरअ का एंड अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को क्या हुआ था रैप अप क्या था उनके पोषण को एंड रणबीर कपूर रैपअप किया था उनके खुद के पोषण का सेकंड शेड्यूल को, से को रैपअप किया था सात नवंबर को फिल्मिंग रिज्यूम हुई थी उन्नीस नवंबर को जिसमें कि महादायलैंड में शूटिंग महाद लोकेशन सीन्स रखे गए थे जिसमें कि फेयर हंड्रेड एक्टर्स को रोप किया था थे सेंस में रिकॉर्ड किया था जो कि यूज़ कराउड दिखाया था लास्ट वीक के नवंबर में तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई है भाई और इसके अलावा फरवरी सालों चौबीस में टाइगर सरफ का जो रैप अप था सीन से ऑलरेडी फिल्म सिटी में उसको फिल्माया गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के एंड फाइट सीक्वेंसेस को भी यहाँ पर शूट किया गया था जिसमें कि एच ए देवका दयान से टें इंक्लूडिंग uh, थे और करुणा कपूर खान अर्जुन कपूर यहाँ पर थे थर्ड वीक ऑफ अप्रैल दो हजार को अक्षय कुमार के द्वारा रिमेन किया उनके पोजिशन का जो सीन बाकी था उन्होंने शूट किया था राजो रामोजी फिल्म सिटी में दीपक अवर्ड उनको ऑलरेडी सीन्स थे जहाँ पर गोल्डन टम्बे को फैक्ट्री में उसको शूट किया गया था तो ये था <laughs> बाकी कश्मीर के शॉट लिए गए थे जितने पोषण किया था सप्टेबर साल चौबीस में क्लाइस वगैरह एडिशन सबसे किया गया था पनवेल में तो काफ़ी सारी चीजें जो कि मेकर्स ने ट्राई किया और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन लोकेशंस में इंडिया में ही रखा हुआ जो कि मेजर पोर्स से एंड इंडिया के अंदर शूट किया गया तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी बाहर की कंट्रीज में तो को तो शूटिंग तो नहीं किया हुआ है जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगा है एंड जो था मैंने तो ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि हाँ मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड जो फिल्म की शूटिंग हुई है लाइक जो हुई है शूटिंग दीवाल में लाइक उसको शूटिंग नहीं कहेंगे ब्रो उसको कहेंगे क्या कहेंगे ब्रो रिलीज डेट हाँ रिलीज डेट शेड्यूल्स है सो मेकर्स का तो ये प्लान है बाकी देखते हैं कि ये सभी चीजें कब और कैसे अच्छी जी फाइनलाइज होता है मेकर्स तो टारगेट तो कर रहे रिलीज़ करने का बाकी ये फिल्म अगर सफल होता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि हाँ कलेक्शन तो अच्छी रिपोर्ट अगर निकल कर आते तो मान के चलना कि फिल्म बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये करेगी इतना तो कंफर्म है भाई एंड काफी सारे लोग हैं जो फिल्म को लाइक एक्साइटेड तो है कि हाँ उनकी फिल्म चले ये वो वो ये है सो so, ऑलमोस्ट काफी सारे वीडियोस है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या था क्या नहीं है सो so, ये था वीडियोस आई थिंक वीडियोस को ख़त्म करने का टाइम आ चुका बिकॉज बताने लायक कुछ है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। बाकी फिल्म की कलेक्शन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हाइप जिस हिसाब से तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा ओपनिंग ले सकती है मूवी और दिवाली भी है ऊपर से लाइक क्लास है तो क्लास जहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा पर यह लगता है कि अगर अच्छे नंबर आएंगे ओपनिंग अच्छे करेंगे कलेक्शन के तो लेट्स ही देखते हैं कि कैसा रहता है कलेक्शन वगैरह एंड दो एक दिन में फिल्म की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा कि फिल्म का एडवांस बुकिंग लेवल में कैसा है नहीं है किस हिसाब से कलेक्शन किया हुआ कर रही है तो डेफ़िनेटली वो एडवांस बुकिंग में भी हमें सभी को पता चलने वाला है फिलहाल तो ये है बाकी हाँ फिल्म की फ्रेमाइज के बारे में बता चुका हूँ कास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ और बात रही फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की म्यूजिकल डिपार्टमेंट की हाँ तो उसके ऊपर अभी भी नहीं बात कर पाएँ बिकॉज चीज़ें सही नहीं है लाइक चीज़ें सही इट्स मीन्स की, हाँ जी फिल्म रिलीज नहीं हुई तो जिसके चलते नहीं बता पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं और लाइक और एक बीक का ही टाइम बचा हुआ है आई थिंक आज काफी सारी फिल्म रिलीज होने वाले मैं हूं वैनम के लिए आ, तो लेट्स सी देखते हैं वैनम और आज रात के आठ बजे साउथ के और और एक बहुत बड़ी फिल्म आई तो जल्दी जल्दी इन सभी वीडियोस को भी बनाना है और आज ही एडिट करना है बाकी कल तो प्रोजेक्ट पर काम करने स्टार्ट कर देंगे तो देखते हैं कि ऑलरेडी तो चार वीडियो और ये इस वीडियो को मिलाकर चार वीडियो हैं तो तो देखते हैं कि चारों वीडियो को अपलोड कर पाता है कि नहीं अपलोड कर पाता रेडिट हो कि नहीं एडिट हो जाता है टाइम पे तो डेफिनेटली वीडियो तो आ जाएगी आप लोग देख ही लेना बाकी दो बजने को है पर अभी भी रिकॉर्डिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है आई थिंक नौ बजे से बैठा हुआ नौ दस नौ दस ग्यारह बारह एक दो ऑलमोस्ट आई थिंक भाई क्या हो रहा है पाँच घंटे हो चुके भाई पाँच अभी भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए थे दो घंटे काम तीन हाँ एक भाई ह्यूमन तो हो रोबोट तो होने के लगातार काम कर सको तो ये तो और क्या है बच्चे बताने लायक कुछ है और और कुछ तो है नहीं बाकी हाँ चारों वीडियोस तो बना चुका हूँ चारों वीडियोस आ जाते तो आपको मिल जाएंगे लिंक और आप देख भी लेना अगर आ जाते सभी वीडियोस तो अगर आ जाते तो देख लेना ठीक है ना भाई क्या कर रहा हूँ भाई लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ सो ये और लेट्स सी आगे क्या होता है क्या होता है अक्षय कुमार के हाँ अक्षय कुमार सर के जो फिल्म की लाइनअप की अगर बात करें तो मे भी उनके लाइनअप की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग है बिकॉज अक्षय कुमार की फिल्म ऑलरेडी साल तो इसी साल तो और नहीं आ रही आई थिंक नहीं आ रही है ये फिल्म आएगी उसके बाद नहीं आएगी हालांकि हाँ उसके बाद तो नहीं आएगी साल, डायरेक्टली सालों पच्चीस में उनकी फिल्म रिलीज की जाएगी पर कौन सी फिल्म रिलीज होगी कौन से रिलीज हो पाएगी ये तो पता नहीं पर इतना पता है कि हाँ वो उस नेक्स्ट ईयर है लेके आ रहे आ रहे हैं उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एडिट किया प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं सो देखते हैं कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हालांकि ये साल उनके लिए मतलब मिक्सअप रहा लाइक अच्छा बूढ़ा जो कह सकते हो कह सकते बिकॉज उनकी आई थिंक साधो चौबीस में किन कितनी फिल्में आई है आई थिंक ये भी पता कर ही लेते हैं अगर ये पता कर रहे तो लाइक उनकी कितनी फिल्म आई है भाई वो भी जान लेते हैं टोटल आई थिंक उनकी जो फिल्में आई है इसी साल आई थिंक चार फिल्में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चार फिल्में हैं पर देखते हैं कितने फिल्में हैं उनकी मूवीज लिस्ट की अगर बात कर रहे हाँ छोटी मियाँ बड़ी मियाँ खेल खेल

है नहीं? And welcome series की पांचवी उसके बाद welcome to का पार्ट है. So, ये आएगी आएगी पर कब तक आएगी? जो रिलीज डेट 20 दिसंबर का दिखा रहा है मे बी डेट चेंजेस हो सकते हैं मे बी प्रीपोर्ड पोस्टोन मे भी किया जा सकता है प्रीपोन्ड तो नहीं पर पोस्टपोन ऑल किया जा सकता है बिकॉज दिसंबर में ना हैवीली क्लासेस के साथ रिलीज की जाएगी मे भी मतलब काफ़ी सारे उस डेट पर मूवी आएगी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेकर तो क्लास नहीं चाहेंगे तो क्या होगा नहीं होगा भाई टाइम आने पर पता चलेगा तो जी हाँ सो सिंगन फिल्म सिंगम अगेन फिल्म और ये फिल्म है अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों रोहित शेट्टी ने जिसको की प्रोड्यूस की जाएगी को प्रोड्यूसर उनके अंडर द प्रोडक्शन बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स उसके अलावा रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियो एंड अजय देवगन फिल्म जिसके स्टार्स में आपको नजर आएंगे अजय देवगन के अलावा आपको नजर आएंगे करीना कपूर खान रणबीर सिंह अक्षय कपूर सॉरी अक्षय कुमार दीपिका पाडुकुण टाइगर शरफ अर्जुन कपूर एंड जेकी शरफ एंड मैं आपको बता देना चाहूंगा की शेट्टी के द्वारा एज ए

में शूट किया हुआ है जिसको की रिलीज शेड्यूल है नवंबर एक नवंबर सात चौबीस को जो कि कंसीडरिंग किया जा रहा है दिवाली को जो रिलीज डेट है ऑलरेडी आप सभी को बताये, है क्लैश है सो क्लैश के ऊपर भी बात करेंगे दयानंद सेट्टी श्विता तिवारी सिद्धार्थ जावेद एंड रवि किशन एंड ऑलरेडी सलमान खान का कैम ऑलरेडी हो चुका है एंड कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर लेते कि कौन सा क्या किरदार है तो अजय देव गन डी सी पी बाजराव सिंह में जाएंगे करीना कपूर खान आपको इस फिल्म में अवनी अवनी कमवत सिंघम सिंगम की वाइफ के रोल में नजर आएंगे जो रिटर्न में उनकी कैरेक्टर थी वही रिटर्न कर रही है इस फिल्म में भी रणबीर सिंह एसी सिंघम सिंगम संग्राम उफ, सिंबा के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार अक्षय कुमार आएंगे दीपिका शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगे टाइगर शरफ ई शिफी वली के रोल में नजर आएंगे अर्जुन कपूर आपको इस फिल्म में डेंजर लंका के रोल में नजर आएंगे जेकी शरफ आपको इस फिल्म ओमर हाफिज के रोल में नजर आएंगे दयानंद शेट्टी सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में नजर आएंगे श्विता तिवारी शुरू बक्शी के रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ जावेद आपकी सीनियर इंस्पेक्टर संतोष के रोल में नजर आएंगे रवि किशन आपके मिनिस्टर के रोल में सलमान खान सर का चुलबुल पांडे के कैरेक्टर उनका स्पेशल अपीयरेंस मूवी में है तो ये है कैरेक्टर कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल राइट्स की तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं तो फिल्म की जो डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ प्राइम वीडियो ने 130 करोड़ रुपए में करोड़ रुपए में इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ है सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो फिल्म का हाइप एंड एक करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं दोस्तों एंड फिल्म की बजट की अगर बात करें तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है तीन से लेकर तीन करोड़ के आसपास फिल्म का बजट है तो मेसी फिल्म का बजट है और देखने काफी इंटरेस्टिंग है और आप सभी को है फिल्म का जब ट्रेलर को रिलीज किया गया तो ऑलमोस्ट पांच मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है लाइक like, अमेजिंग था ट्रेलर लोगों को पसंद आया एंड लोगों कुछ लोगों का मिक्स मिक्स रिव्यूज भी रहे पर आई मैं आपको बताऊं तो ट्रेलर मुझे काफी कमाल का लगा था एंड ट्रेलर में भी हम लाइक हर कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है ऑलरेडी हमें दिखा चुका है जो कि काफ़ी अच्छा था सीबी के इंट्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया थे सो so, वो काफ़ी इंजॉय enjoy, इंजॉयबल थे ट्रेलर में और साथ ही फिल्म के अंदर ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रैक्ट भी दिखाए गए जो कि काफी ठीक ठाक ही है पर ओवरऑल फिल्म की अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ट्रेलर काफ़ी

तो देख ही सकते हो कि हर एक्टर को लाइक बड़े बड़े एक्टर को तो ट्रेलर में जगह देनी चाहिए एंड बिकॉज ये फिल्म काफी यूनिवर्स में है एंड सभी यूनिवर्स लाइक सभी को लाइक इस uh, सिंग एम रिटर्न में लाइक किया हुआ जैसे कि आप एवेंजर्स फिल्म में लाइक आप कह सकते हो कि सभी कैरेक्टर को एक फिल्म में एग्जुट किया हुआ है तो सभी को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी भी है तो सेम माइंडसेट के साथ फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया हुआ है एंड उसी के साथ फिल्म एडिट किया हुआ है जिस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट फाइव मिनट फाइव मिनट का ट्रेलर आप सभी को नज़र आया एंड मेरे ओपिनियन ये ट्रेलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है बाकी आप हमें बता सकते हो कि ट्रेलर आपके लिए ट्रेलर आपके लिए कैसा था एंड ट्रेलर आपको देखते वक्त क्या फील आ रहा था किसी हिसाब ने किसी हिसाब ने लाइक किस तरह की एक्सपीरियंस आपको मिला है ट्रेलर देखते वक्त तो ये डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हो एंड मुझे ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा है एंड जो था मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे चुका हूँ रिव्यू भी दे चुका हूँ ब्रेक डाउंड तो ऑलमोस्ट दे ही चुका हूँ एंड ट्रेलर में भी फिल्म की कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है क्या है क्या होने वाली है तो बेसिकली जो कहानी हमें दिखाई गई है जो ट्रेलर लेवल पर भी हमें दिखाई गई है और आप सभी को बताया कि रोहित शेट्टी फिल्मों के अंदर माश मसाला एक्शन मतलब काफ़ी बढ़िया होती हैं एंड इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के साथ एज ए राइटर के तौर पर डेब्यू भी किया हुआ तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि और किसी हिसाब से राइटिंग हालाँकि डायरेक्शन तो उसकी काफ़ी कमाल ही है पर कि देखते हैं कि राइटिंग में उनकी किस हिसाब से योगदान रहने वाला है एंड रहेगी राइटिंग में सो so, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखते हैं क्या होता है फिल्म कैसे निकल कर आती है ट्रेलर में, या फिर हमें दिखाया गया कि कि का जो कैरेक्टर है जो सिंगम की सिंगम, उसी के को लिखी हुई है लाइक उसी को बचाने का काम हर एक कोई करने वाला है ट्रेलर में तो हमें यही दिखाया जा रहा है बाकी आ, क्या और ट्विस्ट है टंस्ट है ट्विस्ट है टे नहीं हालांकि ट्रेलर लेवल तो यही दिखा गया। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि ट्रेलर में काफी सारी चीजें ऐसी है जो मतलब छुपाई जाती है काफी हद तक चीज़ों को मेकर्स यही रखते हैं कि काफी जितना हो सके चीजों को कम बताए और कम बताए पर इम्पेक्ट फॉलो तो मेकर्स का ये हमेशा रहता है हर एडिटर ट्रेलर डायरेक्टर का यही रहता है कि हाँ उनकी फिल्मों को लोग थिएटर्स आके कर देखें एंड वो जो सरप्राइजेस है वो थिएटर्स में ही पता चले ना कि ट्रेलर में तो हर कोई ऐसा ही चाहता है इसी इसी माइंड के साथ रिलीज भी किया गया है पर फिल्म को फिल्म की जो ट्रेलर से ट्रेलर्स लाइक जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट अगर हुई थी जब सुनने को मिला था कि पाँच मिनट का ऑलमोस्ट ट्रेलर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पर जैसे सर ट्रेलर निकल के रहा था फाइनली रियल लोगों को इंप्रेसिव करने में पूरी तरह से भी कामयाब हुआ है पर कुछ ऐसे लोग थे जो मिक्स उनका रिव्यू रहा पर ऐसा नहीं है कि गलत है पर कहा तो सही है कि हाँ ये है एंड बेसिकली कैरेक्टर जो है वो काफी थे बाकी देखते हैं कि करीना कपूर को कैरेक्टर का बचाने के साथ साथ और कई सारे मुद्दे नजर आते हैं कि नहीं क्या होता है नहीं होता है तो ये तो इंटरेस्टिंग है बाकी कॉफी यूनिवर्स की जो फिल्म आई है ऑलमोस्ट इसमें लेकर फाइव फिल्म है तो ये है और इंटरेस्टिंग है कि सलमान खान का जो कैम्यू है चुलबुल पांडे का तो उसको किसी हिसाब से फिल्म में प्रेजेंट किया जा रहा है सुनने में आ रहा है कि उसको पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट सीन में उनको लाइक इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैरेक्टर को छोटा सा लाइक अपीरियंस है तो ये देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेशली अगर मैं मूवी को देखूँगा तो सलमान सर के लिए सलमान सर के लिए बिकॉज मैं बिगेस्ट फैन हूँ सर का तो यही है बाकी उन्हीं के लिए देखूँगा बाकी हालाँकि उनका कैम था और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ बाकी पहले से तो था पर स्पेशली कैमियो के लिए काफ़ी था मैं इंटरेस्टिंग हूँ कि क्या लाइक क्या माहौल रहने वाला है थिएटर्स में तो ये एक अलग लेवल का है एंड क्लास किस क्लासेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं और आप सभी को पता है कि दिवाली दिवाली का रिलीज डेट शेड्यूल है एंड आप सभी को पता है किस डेट पर यहाँ पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुले यात्री भी आ रही है एंड उस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो डेफिनेटली उस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है चाहे ट्रेलर को हो या फिर टीजर को लोगों काफी की तरफ से काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिला है ऑलमोस्ट इस हिसाब से लेकर ट्रेलर को मतलब रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ है तो लोग ऑडियंस तो दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड है पर मैं ज़्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बाकी लोगों का तो पता नहीं पर मैं अपने इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज हॉर कॉमेडी फिल्में कुछ मुझे खास जमती नहीं है एंड जमती भी है पर कॉमेडी होनी चाहिए तभी जमती है पर बाकी ऐसे कॉमेडी हॉरर वगैरह मतलब वही होती है एंड ऑलरेडी बुलबुला या वन को तो ऑलरेडी देखा ही है और <coughs> टू को तो ऑलरेडी देख ही चुका हूँ तो ये है सो ये हैं बाकी लेट्स से क्या होता है कौन सी फिल्म बाजी मारती है पर आज के हिसाब से जिस लाइक हालांकि इतनी बड़ी फिल्म है तो ऑलमोस्ट कलेक्शन तो करेगी ही और इसके साथ ही फ़िल्म की अगर कहानी अगर और अच्छी निकल जाती है तो एक्सपेक्ट करना कि फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी हो सकता है कि पाँच सौ करोड़ भी क्रॉस कर सकती है या फिर उससे प्लस ही कर सकती के है अगर अच्छा फिल्म का कंटेंट अगर काफ़ी अच्छा है इस्पेसली फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अगर स्ट्रॉन्ग आता है पॉजिटिव आता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी ये फिल्म एंड इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की प्राइमर्स की लाइक प्रीमाइज़ की के किसी हिसाब से कहानी दिखाएगी तो ये कहानी दिखाई दिखाई जाएगी बाजीराव सिंघम को रावण में छिपे सुरागों और विवरणों का अनुसारण करना होगा जब उनकी पत्नी अवनी को आतंकवादी एजेंट लंका द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो इसी से रिलेटेड है और उनकी बीबी के साथ साथ तो आतंकवादी का भी दिखाया है क्या, है क्या है क्या नहीं आई डोंट नो पर ट्रेलर काफी अच्छा था पर यही था फिल्म की प्रेम है लाइक प्रीमाइज की अगर बात करें तो प्रेमाइज यही था जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ एंड ओ के बारे में बात कर ही लिया कि जो ओ टी टी डील हुई है काफ़ी मैसीब हुई है एंड शायद ही मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी बड़ी जो डील हुई है मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है आप एक्सपेक्ट तो करिए एक सौ तीस करोड़ कम नहीं होते भाई एंड एक सौ तीस करोड़ अगर थ्रेटिकल राइट्स बेच केर और डिजिटल राइट्स है सेटेलाइट राइट्स है तो डेफिनेटली कहीं ना कि ऑलमोस्ट के अर बात करें अगर एक सौ तीस करोड़ रुपये में अगर इस फिल्म की ओ टी डी राइट्स अगर सोल्ड आउट हुई है तो आप मार्केट चल ही सकते हो कि ऐसे लाइक थेटिकल तो हो ही जाएंगे लाइक कलेक्शन तो हो ही जाएंगे लाइक ओ से ही ओ टी सेटेलाइट है और अगर ओ के राइट्स तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर के ही पास ही जाएंगे एंड सेटेलाइट उन्हीं के पास जाएंगे म्यूजिक राइट्स उन्हीं के पास जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हाँ ऑलमोस्ट ढाई सौ करोड़ का तो लाइक रिकवर हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है सो so ये मैं मानता तो, हूँ बाकी सेटेलाइट की अगर बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों मुझे सेटेलाइट के बारे में नहीं पता है कि कौन से सैटेलाइट लाइक कंपनी के पास इस फिल्म के राइट्स है तो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है पर आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर दोस्तों मुझे अगर पता चलता है या फिर इसके बारे में मुझे, मुझे मालूम होता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट देने की जहां तक मुझे लगता है कि जी सिनेमा है जी सिनेमा ही हैं जो कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है क्योंकि जी सिनेमा जी सिनेमा ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है जी सिनेमा के पास इस फिल्म की राइट्स हैं तो आप जब भी, भी इस फिल्म को प्रीमियर की जाएगी तो ये फिल्म आपको श्री प्रद जीत सिन्नेमा के सैटेलाइट चैनल पर ही इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी तो ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो ही चुका है कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर इस फिल्म का आपको प्रीमियर देखने को मिलने वाली है और आप सभी को बताया कि हर कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टर पोस्टर को भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था सभी के ही कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज हुए थे लाइक अक्षय कुमार हो या हो दीपिका पाडुकोण हो टाइगर श्रॉफ हो अर्जुन कपूर हो लाइक सभी का कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज़ किया हुआ है एंड चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर आई थिंक सभी को बचाने का काम करेगा ही एंड कलेक्शन कलेक्शन को भी बचाने का काम करेगा मुझे जहाँ तक लगता है अगर उसको अगर लीक ना हो तो ये है बाकी हाँ फिल्म काफ़ी अच्छी करेगी अगर कहानियाँ अच्छी निकल कर आती है एंड काफ़ी अच्छा जैसे कि स्ट्रिक्स छोटे मोटे जो स्ट्रिक्स दिखाए गए हैं उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आप सभी को ही बता चुका हूँ एंड ओवरऑल फिल्म को लेकर तो लोगों का काफ़ी अच्छा रहा बाकी एडवांस बुकिंग की अगर कर बात करते तो मे बी स्टार्ट हो ही जाएंगे एंड फिल्म की रिलीज़ डेट की अगर कर बात करें तो ऑलमोस्ट रिलीज़ के आई थिंक ऑलमोस्ट अभी भी एक वीक बचा हुआ है एंड एक बिग बात फिल्म को रिलीज़ की जाएगी इस फिल्म को सिनेमा घरों में और कार्तिक आर्यन की फिल्म आ रही है हालांकि जिस हिसाब से भूल भुलैया टू ने कलेक्शन किया हुआ था वाकई काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आए थे एंड उस टाइम आई हालाँकि कोई फिल्म नहीं चल रही थी आई थिंक पैंडमिक के बाद वो फिल्म आई थी पैंड पैंडमिक के बाद नहीं पर हाँ लाइक उस टाइम मतलब फिल्में कम ही चल रही थी तब मतलब फिल्में दी हैं काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की हैं तो ये है और बजट तो 300 से लाइक ज़्यादा ही है तो ये फिल्म का बजट है एंड कास्टिंग आप देख लो कास्टिंग में भी लाइक काफ़ी सारे एक्टर को और नाम देखने को मिल रहा है बाकी अगर ये कॉफ़ यूनिवर्स की अगर बात करें हालांकि कॉफ यूनिवर्स की कितनी फिल्में हिट हुई है नहीं हुई इसके बारे में तो नहीं ज़्यादा पता है पर क्योंकि उस टाइम में तो वीडियोज़ इस तरह की वीडियोज़ तो नहीं बनाता था तो जिसलिए जिसलिए कलेक्शन वगैरह के बारे में नहीं पता है तो ये है बाकी कौन सा उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जैसे अर्जुन कपूर उसका इस फिल्म में उनका मेन विलन का रोल है बाकी उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने तो ने तारीफ ही की है सो ये है एंड इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें रणबीर की तो उनकी आई थिंक सिम्बा फिल्म ने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है जहाँ तक मुझे लगता है कि सिंह सिंह जो उनका सिम्बा फिल्म आई थी लाइक वो हिट आई थिंक वो ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी पर मुझे तो इतना ही पता है और हाँ सूर्यवंशी वो सुपरहिट फिल्म साबित हुई नो no डाउट एंड जैसे कि सिंगम सिंगम रिटर्न्स वो फिल्में भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की थी बॉक्स ऑफिस पर आई थिंक एंड सिंगम की अगर उसकी अगर बात करें लाइक कलेक्शन की वो सिम्बा की कलेक्शन की अगर बात करें तो चलिए कलेक्शन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं अगर कर लेते हालांकि जहाँ तक मुझे जितना पता चलेगा उतना ही मैं आप सभी को बताऊंगा तो कलेक्शन हाँ चार सौ करो एस्टिमेटेड दिखा रहा है बजट अराउंड एट्टी करोड़ से चार सौ कलेक्शन किया आई डोंट नो ये एक्जैक्ट कलेक्शन है कि नहीं पर मुझे नहीं पता पर ये फिल्म साल दो अट्ठारह में आई थी तो उसके बारे में तो नहीं पता पर सो so क्या होता हाँ रणबीर की फिल्में तो चलती है नो no डाउट उनकी रॉकी और प्रेम कहानी आई थी वो फिल्में भी चली थी एंड लोगों ने फिल्म को पसंद भी किया होता देखा था हालाँकि इस फिल्म के ऊपर मुझे वीडियोज़ बनानी है बिकॉज <laughs> और इसके साथ ही रणबीर कपूर की जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म है तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब हमारा चैनल अच्छा तो इसी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आते थे और यही चैनल को लीड कर रहे थे फ्यूज़ के मामले में तो खैर अभी भी इस फिल्म के ऊपर नहीं वीडियोज़ बना पाए तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि इस फिल्म के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो देखते हैं लर्सी कब बना पाता हूँ एंड हालांकि इस फिल्म के ऊपर अभी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है पर डेफिनेटली ये बनानी तो चाहिए तो लेट्स सी ये पॉसिबल कब होता है लाइक ये कब होता है तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है तो लेट्स सी देखते हैं और इसके साथ ही बात रही सिंगम अगेन की मूवी के बारे में तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो डिटेल्स हैं आई थिंक सभी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी बताने लायक है इस फिल्म से रिलेटेड जो था एंड वो तो मैं आप सभी को खुलकर आप सभी को बता चुका हूँ एंड और क्या था भाई कुछ है बताने लायक कुछ नहीं है पर कोई बात नहीं पर वीडियो तो मुझे लंबी बनानी है और नहीं है और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की जो कलेक्शन की मेरी प्रोडक्शन की तो अभी भी फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है मे बी एडवांस बुकिंग है जो रिलीज डेट है ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है आई थिंक दो दिन पहले या फिर एक वीक पहले इसकी एडवांस बुकिंग जो स्टार्ट की जाएगी आई थिंक एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट डेट तो देखा था हालांकि या अभी याद नहीं आ रहा कि कौन से डेट पर एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट किया जाएगा और क्या जाने वाला था फिलहाल तो अभी डेट नहीं याद आ रहा है पर हाँ इस फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द की जाएगी एडवांस बुकिंग को लेकर एंड इसके साथ ही फिल्मिंग अभी अभी काफी सारी चीजें जिनके ऊपर बात नहीं कर पाए भाई तो चलिए उसके ऊपर कर लेते हैं प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेप्टेबर सोलह सत्रह को रोहित शेट्टी के अनाउंसमेंट किया था उनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म के तौर पर रणबीर कपूर के साथ एंड उन्होंने रिव्यूल किया था थर्ड इंस्टॉलमेंट को को एंड उन्होंने लिखा एंड डायरेक्टिव किया था ये भी रिवील किया गया था जिसमें के देवगन फीचर हैं एंड उसके साथ थी बाद में रिवील किया गया कि प्रोडक्शन डॉट बट डिड नॉट रिवील व्हेन प्रोडक्शन जनवरी सात हजार बीस को अजय देवान ने हिंट दिया था वर्क को लेकर था इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट को लेकर फ्रेंचाइज को लेकर जिसके क्या जिसको किए नाम दिया गया था सिंगम थ्री करके इसके बाद सूर्य इस वंशी चीज जो कि सात हजार में ऐसे जो कि कॉफ यूनिवर्स का ही पार्ट था सिंगम फ्रेंचाइज जो कि रिपोर्ट आया रिपोर्ट की जाएगी फिल्म को लेकर कैरेक्टर को भी लेके ले आया जाएगा और लेटर जो जनवरी हजार इक्कीस के प्रोडक्शन को रिपोर्ट आया कि रही शेट्टी ने फ्रेंचाइज को वर्क

जैसे जदवान ने फिनिश किया था वोला फिल्म के शूटिंग जो कि साल तो वो फिल्म तेईस में आई थी इसके साथ ही कास्टिंग की अगर बात करें तो अजय देवगान करीना कपूर खान अक्षय कुमार रणबीर कपूर जगह सर अपने दयानंद सेट्टी एंड अदर जो रिमेनिंग के एक्टर्स थे उनको रिप्राइज किया गया था रिस्पेक्टिवली उनके रोल्स के लिए प्रीवियस फिल्मों के लिए जो कि कॉफी यूनिवर्स में किया गया था दीपिका भाटून टाइगर शराब एंड श्वेता तिवारी की अगर बात करें जो कि ऐड किया गया इस फिल्म के लिए लेटर अर्जुन कपूर का जो फरवरी सातों तीस में आया था कि वो उस फिल्म से बाहर है पर उनका कैरेक्टर रिपोर्ट आया कि नहीं श्री लंकत मिलेटेंट करके वो कैरेक्टर like, मूवी में है सठ साल बाईस में चौबीस में रूमर्स ये भी था कि सलमान खान लाइक रूमर्स फैल रहे थे कि सलमान खान का कैमए होगा पर चुल वांडे का लेटर ये कंसिडर किया था सलमान खान को पर नहीं था पर फ्यू डेज लेटर ये कंफर्म हो चुका था उस फिल्म का कन्फर्म है एंड दोस्तों मूवी के फिल्मिंग की अगर बात करें तो पिंसल फोटोग्राफी को सठ साल तेईस में रखा गया था मोरत पूजा रखा गया था तो स्टूडियो मुंबई में एंड फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल था उसको सेम लोकेशन में भी किया गया जिसमें कि रणबीर सिंह एंड ऑल्सो शेड्यूल में, में और सुधा तिवारी भी ऑलरेडी ज्वाइन थे गवर्नर ऑफ करीना कपूर भी थे सेकंड शेड्यूल की बात करें तो पाँच अक्टूबर से हैदराबाद को रखा था जो कि मेजर पोस्ट ने शूट किया था एंड ऑल्सो कास्ट मेंबर थे एंड करीना कपूर भी ऑलरेडी ज्वाइन थे एंड छः अक्टूबर अजय देवगन को अक्षय कुमार को रिवील किया गया टाइगर शरअ का एंड अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को क्या हुआ था रैप अप क्या है उनके पोषण को एंड रणबीर कपूर रैप अप किया है उनके खुद के पोषण का सेकंड से शेड्यूल को रैप अप किया था सात नवंबर को फिल्मिंग रिज्यूम हुई थी उन्नीस नवंबर को जिसमें कि महादैंड में शूटिंग महाद लोकेशन सीन्स रखे गए थे जिसमें कि फेयर हंड्रेड एक्टर्स को रोप किया था सेंस में रिक्वायर्ड किया था जो कि यूज़ कराउड दिखाया था लास्ट वीक के नवंबर में तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई है भैया और इसके अलावा फरवरी सालों चौबीस में टाइगर शरफ का जो अप था सीन से ऑलरेडी फिल्म सिटी में उसको फ़िल्माया गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के एंड फाइव सीक्वेंसेस को भी यहाँ पर शूट किया था जिसमें कि एच देवका दयान से टेंसिता इंक्लूडिंग थे और करुणा कपूर खान अर्जुन कपूर यहाँ पर थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 24 हौ चौबीस को अक्षय कुमार के द्वारा रिमेन किया उनकी पोजिशन का जो सीन बाकी था उन्होंने शूट किया था रामू रामोजी फिल्म सिटी में दीपक अवॉड उनको ऑलरेडी सीन्स थे जहाँ पर गोल्डन टेम्बल को फैक्ट्री में उसको शूट किया गया था तो ये था <laughs> बाकी कश्मीर के शॉट लिए गए थे जितेबापो किया था एडिशन एवर किया गया था पनवेल में तो काफी सारी चीजें जो कि मेकर्स ने ट्राई किया वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोकेशन में इंडिया में ही रखा हुआ जो कि मेजर पोर्स है एंड इंडिया के अंदर शूट किया गया तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी बाहर की कंट्रीज में तो को शूटिंग तो नहीं किया हुआ है जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगा है एंड जो था मैंने तो ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि हाँ मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड जो फिल्म की शूटिंग हुए लाइक जो हुई है शूटिंग दीवाल में लाइक उसको शूटिंग नहीं कहेंगे ब्रो उसको कहेंगे क्या कहेंगे ब्रो रिलीज डेट हाँ रिलीज डेट शेड्यूल्स हैं सो मेकर्स का तो ये प्लान है बाकी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें कब और कैसे चीज़ें फाइनलाइज होता है मेकर्स तो टारगेट तो कर रहे हैं रिलीज़ करने का बाकी ये फिल्म अगर सफल होता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि हाँ कलेक्शन तो अच्छी रिपोर्ट अगर निकल कर आते तो मान के चलना कि फिल्म बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये करेगी इतना तो कन्फर्म है भाई एंड काफी सारे लोग हैं जो फिल्म को लाइक एक्साइटेड तो है कि हाँ उनकी फिल्म चले ये वो, वो ये है सो so, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वीडियोस है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या था क्या नहीं है सो so, ये था वीडियोस आई थिंक वीडियोस को ख़त्म करने का टाइम आ चुका बिकॉज बताने लायक कुछ है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। बाकी फिल्म की कलेक्शन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हाइप जिस हिसाब से तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा ओपनिंग ले सकती है मूवी और दिवाली भी है ऊपर से लाइक क्लास है तो क्लास जहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ इम्पेक्ट होगा पर ये लगता है कि अगर अच्छे नंबर आएंगे ओपनिंग अच्छे करेंगे कलेक्शन के तो लेट्स ही देखते हैं कि कैसा रहता है कलेक्शन वगैरह एंड दो एक दिन में फिल्म की जो एडवांस थिंकिंग रिपोर्ट वो तो भी आना स्टार्ट हो जाएगा कि फ़िल्म का एडवांस बुकिंग लेवल में कैसा है नहीं है किसी हिसाब से कलेक्शन किया हुआ कर रही है तो डेफ़िनेटली वो एडवांस बुकिंग में भी हमें सभी को पता चलने वाला है फिलहाल तो ये है बाकी हाँ फिल्म की फ्रेमाइज के बारे में बता चुका हूँ कास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ और बात रही फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की म्यूजिकल डिपार्टमेंट की हाँ तो उसके ऊपर अभी भी नहीं बात कर पाए बिकॉज चीज़ें सही नहीं है लाइक चीज़ें सही इट्स मीनस कि हाँ फिल्म रिलीज नहीं हुई तो जिसकी जल्दी नहीं बता पा रहा हूँ तो कोई बात और लाइक और एक भी का टाइम बचा हुआ है आई थिंक आज काफ़ी सारी फिल्म में रिलीज़ होने वाले हैं मैं एक्साइटेड हूँ वैनम के लिए आ, तो लेट से देखते हैं वैनम और आज रात के आठ बजे साउथ कोरिया और और एक बहुत बड़ी फिल्म आएगी तो जल्दी जल्दी इन सभी वीडियोस को भी बनाना है और आज ही एडिट करना है बाकी कल तो उन्हें प्रोजेक्ट्स पर काम करने स्टार्ट कर देंगे तो देखते हैं कि ऑलरेडी तो चार वीडियो और ये इस वीडियो को मिलाकर चार वीडियो हैं तो तो देखते हैं कि चारों वीडियो को अपलोड कर पाता है कि नहीं अपलोड कर पाता रेडिट हो कि नहीं एडिट हो जाता है टाइम पे तो डेफिनेटली वीडियो तो आ जाएगी आप लोग देख ही लेना बाकी दो बजने को है पर अभी भी रिकॉर्डिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है आई थिंक नौ बजे से बैठा हुआ नौ दस नौ दस ग्यारह बारह एक दो ऑलमोस्ट आई थिंक भाई क्या हो रहा है पाँच घंटे हो चुके भाई पाँच अभी भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थे तो दो घंटे का काम तीन हाँ एक भाई ह्यूमन तो हो रोबोट तो होने की लगातार काम कर सको तो ये तो और क्या है बच्चे बताने लायक कुछ है और और कुछ तो है नहीं बाकी हाँ चार वीडियोस तो बना चुका हूँ चार वीडियोस आ जाते तो आपको मिल जाएंगे लिंक और आप देख भी लेना अगर आ जाते सभी वीडियोस तो अगर आ जाते तो देख लेना ठीक है ना भाई क्या कर रहा हूँ भाई लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ सो ये और लेट्स सी आगे क्या होता है क्या होता है अक्षय कुमार के हाँ अक्षय कुमार सर के जो फिल्म की लाइनअप की अगर बात करें तो मे भी उनके लाइनअप की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग है बिकॉज अक्षय कुमार की फिल्म ऑलरेडी साल तो इसी साल तो और नहीं आ रही आई थिंक नहीं आ रही है ये फिल्म आएगी उसके बाद नहीं आएगी हालांकि हाँ उसके बाद तो नहीं आएगी डायरेक्टली सालों पच्चीस में उनकी फिल्म रिलीज की जाएगी पर कौन सी फिल्म रिलीज़ होगी कौन से रिलीज हो, कौन से हो पाएगी ये तो पता नहीं पर इतना पता है कि हाँ वो उस नेक्स्ट ईयर है लेके आ रहे हैं उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एडिट किया हुआ प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं सो देखते हैं कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हालांकि ये साल उनके लिए मतलब मिक्सअप रहा है एक अच्छा बूढ़ा जो कह सकते हो कह सकते बिकॉज उनकी आई थिंक सालों चौबीस में किन कितनी फिल्में आई है आई थिंक ये भी पता कर ही लेते हैं अगर ये पता कर रहे तो लाइक उनकी कितनी फिल्म आई है भाई वो भी जान लेते हैं टोटल आई थिंक उनकी जो फिल्म आई है इसी साल आई थिंक चार फिल्में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चार फिल्म हैं पर देखते हैं कितने फिल्म हैं उनकी मूवीज लिस्ट की अगर बात कर रहे हाँ छोटी मियाँ बड़ी मियाँ खेल खेल और वेलकम टू जंगल आई थिंक इस फिल्म को दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है, तो है तो मेकर्स में में कब वो फिल्म आएगा शेड्यूल तो साल दो चौबीस का ही दिखा रहा अभी फिलहाल गूगल पर हाँ दिसंबर को टारगेट रखा है बीस दिसंबर का डेट टारगेट रखा है तो देखते हैं वो फिल्म है नहीं? And welcome series की पांचवी फिल्म I think, welcome, welcome back. उसके बाद इनका थर्ड पार्ट, so, पार्ट आएगी पर कब तक आएगी जो रिलीज डेट ट्वेंटी दिसंबर का दिखा रहा है बट मे बी डेट चेंजेस हो सकते हैं मे बी प्रीपोर्ड पोस्टपोन मे बी किया जा सकता है प्रीपोन तो नहीं पर पोस्टपोन ऑल किया जा सकता है बिकॉज दिसंबर में ना हैवीली क्लासेस के साथ रिलीज़ की जाएगी मे भी मतलब काफ़ी सारे उस डेट पर मूवी आएगी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेकर्स तो क्लास नहीं चाहेंगे तो क्या होगा नहीं होगा भाई टाइम आने पर पता चलेगा तो जी हाँ सो अगेन फिल्म सिंगम अगेन फिल्म और ये फिल्म है अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों रोहित शेट्टी ने जिसको की प्रोड्यूस की जाएगी को प्रोड्यूसर उनके अंडर द प्रोडक्शन बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स उसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो एंड अजय देवगन फिल्म जिसके स्टार्स में आपको नजर आएंगे अजय देवगन के अलावा आपको नजर आएंगे करीना कपूर खान रणबीर सिंह अक्षय कपूर सॉरी अक्षय कुमार दीपिका पाडुकुण टाइगर श्रॉफ अर्जुन कपूर एंड जेके श्रॉफ एंड मैं आपको

पर मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड श्रीलंका में शूट किया हुआ है जिसको की रिलीज शेड्यूल है नवंबर एक नवंबर सात को जो की कंसीडरिंग किया जा रहा है दिवाली को जो रिलीज डेट है ऑलरेडी आप सभी को पता है क्लैश है सो so क्लैश के ऊपर भी बात करेंगे दयानंद सेट्टी श्वेता तिवारी सिद्धार्थ जावेद एंड रवि किशन एंड ऑलरेडी सलमान खान का कैम ऑलरेडी हो चुका है एंड कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कौन सा क्या किरदार है तो अजय देवगन डी सी पी बाजीराव सिंह के रोल में जाएंगे ना, कपूर खान आपको इस फिल्म में अवनी अभिन कमवत और सिंगम की वाइफ की रोल में नजर आएंगे जो रिटर्न में उनकी कैरेक्टर थी वही रिटर्न कर रही है इस फिल्म में भी रणबीर सिंह ऐसी सिंघम संग्राम सिम्बा के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार अक्षय कुमार आपको नजर आएंगे दीपिका पॉडु एस पी शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ ई शिफी शतिया वली के रोल में नजर आएंगे अर्जुन कपूर आपको इस फिल्म में डेंजर लंका के रोल में नजर आएंगे जेकी शरफ आपको इस फिल्म ओम हाफीज के रोल में नजर आएंगे दयानंद शेट्टी सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में नजर आएंगे श्विता तिवारी सुरती बक्शी के रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ जावेद आपको इस फिल्म में सीनियर इंस्पेक्टर संतोष के रोल में उतरेंगे रवि किशन आपके स्पिन मिनिस्टर के रोल में उतरेंगे और सम्मान खान सर का चुलबुल पांडे के कैरेक्टर उनका स्पेशल अपीयरेंस मूवी में है तो ये है कैरेक्टर कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ एंड दोस्तों फिल्म की अगर बात करें डिजिटल राइट्स की तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं तो फिल्म की जो डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ प्राइम एक सौ तीस करोड़ रुपए में।, में इस फिल्म डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ है सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो फिल्म का हाइप एंड एक करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं दोस्तों एंड फिल्म की बजट की अगर बात करें तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है तीन से लेकर तीन करोड़ के आसपास फिल्म का बजट है तो मेसी फिल्म का बजट है और देखने काफी इंटरेस्टिंग है और आपसे भी को बताया फिल्म के जब ट्रेलर को रिलीज किया गया तो ऑलमोस्ट पांच मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है लाइक like, अमेजिंग था ट्रेलर लोगों को पसंद आया एंड लोगों कुछ लोगों का मिक्स रि, मिक्स रिव्यूज भी रहे पर आई ऑनस्टली मैं आपको बताऊँ तो ट्रेलर मुझे काफी कमाल का लगा था एंड ट्रेलर में भी हम लाइक like, uh, हर कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है ऑलरेडी हमें दिखा चुका है जो कि काफ़ी अच्छा था सीबी के इंट्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया थे सो so वो काफ़ी इंजॉय इंजॉयबल थे ट्रेलर में और साथ ही फिल्म के अंदर ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रैक्ट भी दिखाए गए जो कि काफ़ी ठीक ठाक ही है पर ओवरऑल फिल्म की अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ट्रेलर काफ़ी कमाल का लगा था पर्सनली मुझे तो फिल्म का ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा था एंड आई थिंक ट्रेलर को मैंने दो या तीन बार ऑलमोस्ट देखा था तो ट्रेलर वाकई काफ़ी अच्छा था स्पेशल फिल्म के जो एक्शन सिक्वेंस वो भी काफी बढ़िया थे एंड इसके साथ ही जो मुझे काफी बढ़िया चीज लगी है फिल्म के अंदर सॉरी ट्रेलर, ट्रेलर काफी लेंथी है पर देख ही सकते हो कि हर एक्टर को लाइक बड़े बड़े एक्टर को तो ट्रेलर में जगह देनी चाहिए एंड बिकॉज ये फिल्म कॉफ यूनिवर्स में है एंड सभी यूनिवर्स लाइक सभी को लाइक इस लाइक किया हुआ जैसे कि आप एवेंजर्स फिल्म में लाइक आप कह सकते हो कि सभी कैरेक्टर को एक फिल्म में एग्जुट किया हुआ है तो सभी को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी भी है तो सेम माइंड सेट के साथ फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया हुआ है एंड उसी के साथ फिल्म क्रेडिट किया हुआ है जिस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट फाइव मिनट फाइव मिनट का ट्रेलर आप सभी को नज़र आया एंड मेरे ओपिनियन है ट्रेलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है बाकी आप हमें बता सकते हो कि ट्रेलर आपके लिए ट्रेलर आपके लिए कैसा था एंड ट्रेलर आप को देखते वक्त क्या फील आ रहा था किसी सा अपना किसी सा अपने लाइक किस तरह की एक्सपीरियंस आपको मिला है ट्रेलर देखते वक्त तो ये डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं एंड मुझे ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा है एंड जो था मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे चुका हूँ रिव्यू भी दे चुका हूँ ब्रेक डाउन तो ऑलमोस्ट दे ही चुका हूँ एंड ट्रेलर में भी फिल्म की कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है, क्या है क्या है क्या होने वाली है तो बेसिकली जो कहानी हमें दिखाई गई है जो ट्रेलर लेवल पर भी हमें दिखाई गई है और आप सभी को बताया गया रोहित शेट्टी फिल्मों के अंदर माश मसाला एक्शन मतलब काफी बढ़िया होती है एंड इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के साथ एज ए राइटर के तौर पर डेब्यू भी किया हुआ तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि और किसी हिसाब से राइटिंग हालांकि डायरेक्शन तो उसकी काफी कमाल ही है पर कि देखते हैं कि राइटिंग में उनकी किस हिसाब से योगदान रहने वाला है एंड रहेगी राइटिंग में सो so, मैं तो काफी एक्साइटेड देखते हैं क्या होता है फिल्म कैसे निकल कर आती है, कि कि है बेसिकली लिखी हुई है लाइक उसी को बचाने का काम हर एक कोई करने वाला है ट्रेलर में तो हमें यही दिखाया जा रहा है बाकी आ, क्या और ट्विस्ट है टंस्ट है ट्विस्ट एंड टंस्ट है ट्रेलर लेवल तो यही आएगा। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब छुपाई जाती है काफ़ी हद तक चीज़ों को मेकर्स यही ही रखते हैं कि काफ जितना हो सके चीज़ों को कम बताए और कम बताए पर इम्पेक्टफुल हो तो मेकर्स का ये हमेशा रहता है हर एडिटर ट्रेलर डायरेक्टर का यही रहता है कि हाँ उनकी फिल्म को लोग थिएटर्स आके कर देखे एंड वो जो सरप्राइजेस है वो थिएटर्स में ही पता चले ना कि ट्रेलर में तो हर कोई ऐसा ही चाहता है इसी इसी माइंड के साथ रिलीज भी किया गया है पर फिल्म को फिल्म की जो ट्रेलरस हैं ट्रेलर्स लाइक जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट अगर हुई थी जब सुनने को मिला था कि पाँच मिनट का ऑलमोस्ट ट्रेलर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पर जैसे सर ट्रेलर निकल गया था फाइनली ट्रेलर लोगों को इम्प्रेसिव करने में पूरी तरह से भी कामयाब हुआ है पर कुछ ऐसे लोग थे जो मिक्स उनका रिव्यू रहा पर ऐसा नहीं है कि गलत है पर कहा तो सही है कि हाँ ये है एंड बेसिकली कैरेक्टर जो है वो काफ़ी थे बाकी देखते हैं कि करीना कपूर को कैरेक्टर का बचाने के साथ साथ और कई सारे मुद्दे नजर आते हैं कि नहीं क्या होता है नहीं होता है तो ये तो इंटरेस्टिंग है बाकी कॉफी यूनिवर्स की जो फिल्म आई है ऑलमोस्ट इसमें लेकर फाइव फिल्म है तो ये है और इंटरेस्टिंग है कि सलमान खान का जो कैम्यू है चुलबुल पांडे का तो उसको किसी हिसाब से फिल्म में प्रेजेंट किया जा रहा है सुनने में आ रहा है कि उसको पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट सीन में उनको लाइक इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैरेक्टर को छोटा सा लाइक अपीरियंस है तो ये देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें चलिए अगर मैं मूवी को देखूंगा तो सलमान सर के लिए सलमान सर के लिए बिकॉज मैं बिगेस्ट फैन हूँ सर का तो यही है बाकी उन्हीं के लिए देखूँगा बाकी तो, हालांकि उनका कैमू था और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ बाकी पहले से तो था पर स्पेशली कैम्यू के लिए काफ़ी मैं इंटरेस्टिंग हूँ कि क्या लाइक क्या माहौल रहने वाला है थिएटर्स में तो ये एक अलग लेवल का है एंड क्लैस क्लासेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं और आप सभी को पता है कि दिवाली दिवाली का रिलीज डेट शेड्यूल है एंड आप सभी को पता है कि इस डेट पर आप पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुले यात्री भी आ रही है एंड उस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो डेफिनेटली उस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है चाहे ट्रेलर को हो या फिर टीजर को लोगों काफी की तरफ से काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है ऑलमोस्ट इस हिसाब से लेकर ट्रेलर को मतलब रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ है तो लोग ऑडियंस तो दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड है पर मैं ज़्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बाकी लोगों का तो पता नहीं पर मैं अपने इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज हॉरर कॉमेडी फिल्म में कुछ मुझे खास जमती नहीं है एंड जमती भी है पर कॉमेडी होनी चाहिए तभी जमती है पर बाकी ऐसे कॉमेडी हॉरर वगैरह मतलब वही होती है एंड ऑलरेडी बुलबुल या वन को तो ऑलरेडी देखा ही है और <coughs> तो ऑलरेडी देख ही चुका हूँ तो ये है सो ये हैं बाकी लेट्स से क्या होता है कौन सी फिल्म बाजी मारती है पर आज के हिसाब से जिस लाइक हालांकि इतनी बड़ी फिल्म है तो ऑलमोस्ट कलेक्शन तो करेगी ही और इसके साथ ही फ़िल्म की अगर कहानी और अच्छी निकल जाती है तो एक्सपेक्ट करना कि फ़िल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी हो सकता है कि पाँच सौ करोड़ भी क्रॉस कर सकती है या फिर उससे

जेंट लंका द्वारा अपन कर लिया जाता है तो इसी से रिलेटेड है और उनकी बीबी के साथ साथ तो आतंकवादी का भी दिखाया क्या है क्या नहीं आई डोंट नो पर ट्रेलर काफ़ी अच्छा था पर यही था फिल्म की प्रेम लाइक प्रेमाइज की अगर बात करें तो प्रेमाइज यही था जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ एंड ओ के बारे में बात करी लिया कि जो ओ डील हुई है काफी मैसिव हुई है एंड शायद uh, ही मुझे ज़्यादा तक लगता है कि इतनी बड़ी जो डील हुई है वो मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है आप एक्सपेक्ट तो करें एक करोड़ कम नहीं होते भाई एंड एक करोड़ अगर थ्रेटिकल राइट्स बेच केयर और डिजिटल राइट्स है सेटेलाइट राइट्स है तो डेफिनेटली कहीं ना कि ऑलमोस्ट के अर बात करें अगर एक सौ करोड़ रुपए में अगर इस फिल्म की ओ राइट्स अगर सोल्ड आउट हुई है तो आप मान के चल ही सकते हो कि ऐसे लाइक थ्रेटिकल तो हो ही जाएंगे लाइक कलेक्शन तो हो ही जाएंगे लाइक ओ से ही ओ टी सेटेलाइट है और अगर ओ के राइट्स तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर के ही पास ही जाएंगे एंड सेटेलाइट उन्हीं के पास जाएंगे म्यूजिक राइट्स उन्हीं के पास जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हाँ ऑलमोस्ट ढाई सौ करोड़ का तो लाइक रिकवर हो ही जाएगा जा जहाँ तक मुझे लगता है सो so ये मैं मानता हूँ बाकी सेटेलाइट की अगर बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों मुझे सेटेलाइट के बारे में नहीं पता है कि कौन से सेटेलाइट लाइक like कंपनी के पास इस फिल्म के राइट्स है तो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है पर आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर दोस्तों मुझे अगर पता चलता है या फिर इसके बारे में मुझे मालूम होता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट देने की जहाँ तक मुझे लगता है कि जी सिनेमा है जी सिनेमा ये हैं जो कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है क्योंकि जी सिनेमा जी सिनेमा ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है जिस सिनेमा के पास इस फिल्म की सैटेलाइट राइट्स राइट्स हैं तो आप जब भी, भी इस फिल्म को प्रीमियर की जाएगी तो ये फिल्म आपको श्री प्रदूप जी सिनेमा के सैटेलाइट चैनल पर ही इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी तो ये तो ऑलरेडी कन्फर्म हो ही चुका है कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर इस फिल्म का आपको प्रीमियर देखने को मिलने वाली है और आप सभी को बताया कि हर कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टर पोस्टर को भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था सभी के ही कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज हुए थे लाइक अक्षय कुमार हो या हो दीपिका पाडुकोण हो टाइगर श्रॉफ हो अर्जुन कपूर हो लाइक सभी का कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज़ किया हुआ है एंड चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर आई थिंक सभी को बचाने का काम करेगा ही एंड कलेक्शन कलेक्शन को भी बचाने का काम करेगा मुझे जहाँ तक लगता है अगर उसको अगर लीक ना हो तो ये है बाकी हाँ फिल्म काफ़ी अच्छे करेगी अगर कहानियाँ अच्छी निकल कर आती है एंड काफ़ी जैसे कि स्ट्रिक्स छोटे मोटे जो स्ट्रिक्स दिखाए गए हैं उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आप सभी को ही बता चुका हूँ एंड ओवरऑल फिल्म को लेकर तो लोगों का काफ़ी अच्छा रहा बाकी एडवांस बुकिंग की अगर कर बात करते तो मे बी स्टार्ट हो ही जाएंगे एंड फिल्म की रिलीज डेट की अगर कर बात करें तो ऑलमोस्ट रिलीज़ के आई थिंक ऑलमोस्ट अभी भी एक वीक बचा हुआ है एंड एक बिग बात फिल्म को रिलीज़ की जाएगी इस फिल्म को सिनेमाघरों में और कार्तिक रियन की फिल्म आ रही है हालांकि जिस हिसाब से भूल भुलैया टू ने कलेक्शन किया हुआ था वाकई काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आए थे एंड उस टाइम आई हालाँकि कोई फिल्म नहीं चल रही थी आई थिंक पैंडमिक के बाद वो फिल्म आई थी पैंडिक पैंडमिक के बाद नहीं पर हाँ लाइक उस टाइम मतलब फिल्में कम ही चल रही थी तब मतलब फिल्में दी हैं काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की है तो ये हैं और बजट तो 300 से लाइक ज़्यादा ही है तो ये फिल्म का बजट है एंड कास्टिंग आप देख लो कास्टिंग में भी लाइक काफ़ी सारे एक्टर का और नाम देखने को मिल रहा है बाकी अगर ये कॉफ़ यूनिवर्स की अगर बात करें हालांकि कॉफ़ यूनिवर्स की कितनी फिल्में हिट हुई है नहीं हुई इसके बारे में तो नहीं ज़्यादा पता है पर क्योंकि उस टाइम में तो वीडियोज़ इस तरह की वीडियोज तो नहीं बनाता था, था। जिसलिए जिसलिए कलेक्शन वगैरह के बारे में नहीं पता है तो ये है बाकी कौन सा उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जैसे अर्जुन कपूर उसका इस फिल्म उनका मेन विलन का रोल है बाकी उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने तो ने तारीफ ही की है सो ये है एंड इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें रणबीर की तो उनकी आई थिंक सिम्बा फिल्म ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है जहाँ तक मुझे लगता है कि सिंह सिंह जो उनका सिम्बा फिल्म आई थी लाइक वो हिट आई थिंक वो ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी पर मुझे तो इतना ही पता है और हाँ सूर्यवंशी वो सुपर हिट फिल्म साबित हुई नो डाउट एंड जैसे कि सिंगम सिंगम रि, रिटर्न्स वो फिल्में भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की थी बॉक्स ऑफिस पर आई थिंक एंड सिंगन की अगर उसकी अगर बात करें लाइक कलेक्शन की सिम्बा की कलेक्शन की अगर बात करें तो चलिए कलेक्शन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं अगर कर लेते हैं हालांकि जहां तक मुझे जितना पता चलेगा उतना ही मैं आप सभी को बताऊंगा सो कलेक्शन हाँ चार सौ करो दिखा रहा बजट अराउंड एट्टी करोड़ तो चार सौ कलेक्शन क्या हो आई डोंट नो ये एग्जैक्ट कलेक्शन है कि नहीं पर मुझे नहीं पता पर ये फिल्म साल दो अट्ठारह में आई थी तो उसके बारे में तो नहीं पता पर सो so क्या होता हाँ रणबीर की फिल्में तो चलती है नो no डाउट उनकी रॉकी और प्रेम कहानी आई थी वो फिल्में भी चली थी एंड लोगों ने फिल्म को पसंद भी किया होता देखा था हालांकि इस फिल्म के ऊपर मुझे वीडियोज़ बनानी है बिकॉज <laughs> और इसके साथ ही रणबीर कपूर की जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब हमारा चैनल अच्छा तो इसी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आते थे और यही चाहिए जो हमारे चैनल को लीड कर रहे थे फ्यूज़ के मामले में तो खैर अभी भी इस फिल्म के ऊपर नहीं वीडियोज़ बना पा तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि इस फिल्म के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो देखते दे हैं लड़स कब बना पाता हूँ एंड हालांकि इस फिल्म के ऊपर अभी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है पर डेफिनेटली ये बनानी तो चाहिए तो लेट्स सी ये पॉसिबल कब होता है लाइक ये कब होता है तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला तो लेट्स सी देखते हैं और इसके साथ ही बात रही सिंगम अगेन की मूवी के बारे में तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो डिटेल्स हैं आई थिंक सभी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी बताने लायक है इस फिल्म से रिलेटेड जो था एंड वो तो मैं आप सभी को खुलकर आप सभी को बता चुका हूँ एंड और क्या था भाई कुछ है बताने लायक कुछ नहीं है पर कोई बात नहीं पर वीडियो तो मुझे लंबी बनानी है और यही है और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की जब कलेक्शन की मेरी प्रोडक्शन की तो अभी भी फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है मे बी एडवांस बुकिंग है जो रिलीज़ डेट है ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है आई थिंक दो दिन पहले या फिर एक वीक पहले इसकी एडवांस बुकिंग जो स्टार्ट की जाएगी आई थिंक एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट डेट तो देखा था हालांकि अभी याद नहीं आ रहा कि कौन से डेट पर एडवांस बुकिंग को अनाउंसमेंट किया जाएगा और किया जाने वाला था फिलहाल तो अभी डेट नहीं याद आ रहा है पर हाँ इस फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द की जाएगी एडवांस एडवांस बुकिंग को लेकर एंड इसके साथ ही फिल्मिंग अभी काफी सारी चीजें जिनके ऊपर अभी बात नहीं कर पाए भाई तो चलिए उसके ऊपर बात एक कर लेते हैं

करू ले, लेकिन उसके अलावा अक्षय कुमार रणबीर सिंह एंड और रिपोर्ट आया कि नवंबर को उनके पुराने फिल्म को जो कैरेक्टर कि सिम्बा का उनका भी कैरेक्टर रिप्राइज हो रहा है, होने जा रहा है इसके साथ ही एक दिसंबर साल बीस को कोलेवरसन सेट्टी के साथ से अनाउंसमेंट किया था प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियली और फिल्म के टाइटल को अनाउंसमेंट किया था अनाउंस किया था प्रोडक्शन करके एंड उसको नाम दिया गया था एंड जैसे ने फिनिश किया था वोला फिल्म की शूटिंग जो कि साल फिल्म तेईस में आई थी इसके साथ ही कास्टिंग की अगर बात करें तो अजय देवगन करीना कपूर खान अक्षय कुमार रणबीर कपूर जगह सर अपने दयानंद सेट्टी एंड अदर जो रिमेनिंग के एक्टर्स थे उनको रिप्राइज किया गया था रिस्पेक्टिवली उनके रोल्स के लिए प्रीवियस फिल्मों के लिए जो कि कॉफी यूनिवर्स में किया गया था दीपिका भट उन टाइगर शराब एन श्विता तिवारी की अगर बात करें जो कि ऐड किया गया इस फिल्म के लिए लेटर अर्जुन कपूर का जो रूप के फरवरी सात होतीस में आया था कि वो उस फिल्म से बाहर है पर उनका कैरेक्टर रिपोर्ट आया कि नहीं श्री लंकत मिलिटेंट करके वो कैरेक्टर मूवी में है सप्टन साल बाईस में चौबीस में रूमर्स ये भी था कि सलमान खान लाइक रूमर्स फैल रहे थे कि सलमान खान का के होगा पर चुलू पांडे का लेटर ये कंसिडर किया था सलमान खान को पर नहीं था पर फ्यू डेज लेटर ये कंफर्म हो चुका था उसका कंफर्म है एंड दोस्तों मूवी के फिल्मिंग की अगर बात करें तो पिंसल फोटोग्राफी को सप्टन साल तेईस में रखा गया था मुहूर्त पूजा रखा गया था इसरा स्टूडियो मुंबई में एंड फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल था उसको से लोकेशन में भी किया गया जिसमें कि रणबीर सिंह एंड ऑल्सो शेड्यूल में थे और सुधा तिवारी भी ऑलरेडी ज्वाइन थे गवर्नर ऑफ करीना कपूर भी थे सेकंड शेड्यूल की बात करें तो पाँच अक्टूबर हैदराबाद को रखा था जो कि मेजर पोस्ट ने उन्होंने शूट किया था एंड ऑल्सो कास्ट मेंबर थे एंड करीना कपूर भी ऑलरेडी ज्वाइन थे एंड छः अक्टूबर अजय देवगन को अक्षय कुमार को रिवील किया गया टाइगर श्रॉफ का एंड अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को क्या हुआ था रैप अप क्या था उनके पोषण को एंड रणबीर कपूर रैप अप किया था उनके खुद के पोषण का सेकंड शेड्यूल से को रैप अप किया था सात नवंबर को फिल्मिंग रिज्यूम हुई थी उन्नीस नवंबर को जिसमें कि महादायलैंड में शूटिंग महाद लोकेशन सीन्स रखे गए थे जिसमें कि फेयर हंड्रेड एक्टर्स को रोप किया था सेंस भी रिक्वायर्ड किया था जो कि यूज कराउड दिखाया था लास्ट वीक के नवंबर में तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई है भाई और इसके अलावा फरवरी सालों चौबीस में टाइगर शरफ का जो अप था सीन से ऑलरेडी फिल्म सिटी में उसको फिल्माया गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के एंड फाइव सीक्वेंसेस को भी यहाँ पर शूट किया गया था जिसमें कि अजय से ए देवकांदता इंक्लूडिंग थे और करुणा कपूर खान अर्जुन कपूर यहाँ पर थे थर्ड वीक ऑफ अप्रैल दो चौबीस को अक्षय कुमार के द्वारा रिमेन किया उनकी पोजिशन का जो सीन बाकी था उन्होंने शूट किया था राजो रामोजी फिल्म सिटी में दीपक अवॉर्ड उनको ऑलरेडी सीन्स थे जहाँ पर गोल्डन टेम्बल को फैक्ट्री में उसको शूट किया गया था तो ये था <laughs> बाकी कश्मीर के शॉट लिए गए थे जितेन पोषण किया था पनवेल में तो काफी सारी चीजें जो कि मेकर्स ने ट्राई किया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोकेशन में इंडिया में ही रखा हुआ जो कि मेजर पोर्सन है एंड इंडिया के अंदर शूट किया गया तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी बाहर की कंट्रीज में तो को शूटिंग तो नहीं किया हुआ है जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगा है एंड जो था मैंने तो ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि हाँ मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड जो फिल्म की शूटिंग हुआ है like लाइक जो हुई है शूटिंग दीवाल में लाइक उसको शूटिंग नहीं कहेंगे ब्रो उसको कहेंगे क्या कहेंगे ब्रो रिलीज डेट हाँ रिलीज डेट शेड्यूल है सो so मेकर्स का तो ये प्लान है बाकी देखते हैं कि ये सभी चीजें कब और कैसे चीजें फाइनलाइज होता है मेकर्स uh, तो टारगेट तो कर रहे रिलीज़ करने का बाकी ये फिल्म अगर सफल होता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि हाँ कलेक्शन तो अच्छी रिपोर्ट अगर निकल कर आते तो मान के चलना कि फिल्म बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये करेगी इतना तो कन्फर्म है भाई एंड काफी सारे लोग हैं जो फिल्म को लाइक एक्साइटेड तो है कि हाँ उनकी फिल्म चले ये हो वो, वो ये है सो so, ऑलमोस्ट काफी सारे वीडियोस है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या था क्या नहीं है सो so, ये था वीडियोस आई थिंक वीडियोस को ख़त्म करने का टाइम आ चुका बिकॉज बताने लायक कुछ है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। बाकी फिल्म की कलेक्शन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हाइप जिस हिसाब से तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा ओपनिंग ले सकती है मूवी और दिवाली भी है ऊपर से लाइक क्लास है तो क्लास जहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा पर ये लगता है कि अगर अच्छे नंबर आएंगे ओपनिंग अच्छे करेंगे कलेक्शन के तो लेट्स ही देखते हैं कि कैसा रहता है कलेक्शन वगैरह एंड दो एक दिन में फिल्म की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट वो तो भी आना स्टार्ट हो जाएगा कि फिल्म का एडवांस बुकिंग लेवल में कैसा है नहीं है किस हिसाब से कलेक्शन किया हुआ कर रही है तो डेफिनेटली वो एडवांस बुकिंग में भी हमें सभी को पता चलने वाला है फिलहाल तो ये है बाकी हाँ फिल्म की फ्रेमाइज के बारे में बता चुका हूँ कास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ और बात रही फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की म्यूजिकल डिपार्टमेंट की हाँ तो उसके ऊपर अभी भी नहीं बात कर पाएँ बिकॉज चीज़ें सही नहीं है लाइक चीज़ें सही इट्स मीन्स कि हाँ फिल्म रिलीज नहीं हुई तो जिसकी जल्दी नहीं बता पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं लाइक और एक भी का ही टाइम बचा हुआ है आई थिंक आज काफ़ी सारी में रिलीज होने वाले हैं मैं एक्साइटेड हूँ वैनम के लिए आ, तो लेट्स सी देखते हैं वैनम और आज रात के आठ बजे साउथ को और और एक बहुत बड़ी फिल्म आएंगे तो जल्दी जल्दी इन सभी वीडियोज़ को भी बनाना है आज ही एडिट करना है बाकी कल तो उन्हें प्रोजेक्ट पर काम करने स्टार्ट कर देंगे तो देखते हैं कि ऑलरेडी तो चार वीडियो और ये इस वीडियो को मिलाकर चार वीडियो है तो तो देखते हैं कि चारों वीडियो को अपलोड कर पाता है कि नहीं अपलोड कर पाता होगा कि नहीं एडिट हो जाता है टाइम पे तो डेफिनेटली वीडियो तो आ जाएगी आप लोग देख ही लेना बाकी दो बजने को है, पर अभी भी रिकॉर्डिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है आई थिंक नौ बजे से बैठा हुआ नौ दस नौ दस ग्यारह बारह एक दो ऑलमोस्ट आई थिंक भाई क्या हो रहा है पाँच घंटे हो चुके भाई पाँच अभी भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए थे दो घंटे का काम तीन हाँ एक भाई ह्यूमन तो हो रोबोट तो होने के लगातार काम कर सको तो ये तो और क्या है बच्चे बताने लायक कुछ है और और कुछ तो है नहीं बाकी हाँ चारों वीडियोस तो बना चुका हूँ चारों वीडियोस आ जाते तो आपको मिल जाएंगे लिंक और आप देख भी लेना अगर आ जाते सभी वीडियोस तो अगर आ जाते तो देख लेना ठीक है ना भाई क्या कर रहा हूँ भाई लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ सो ये और लेट्स सी आगे क्या होता है क्या होता है अक्षय कुमार के हाँ अक्षय कुमार सर के जो फिल्म की लाइनअप की अगर बात करें तो मे भी उनके लाइनअप की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग है बिकॉज अक्षय कुमार की फिल्म ऑलरेडी साल दो तो इसी साल तो और नहीं आ रही आई थिंक नहीं आ रही है ये फिल्म आएगी उसके बाद नहीं आएगी हालांकि हाँ उसके बाद तो नहीं आएगी साल डायरेक्टली सालों पच्चीस में उनकी फिल्म रिलीज की जाएगी पर कौन सी फिल्म रिलीज होगी कौन से रिलीज हो पाएगी ये तो पता नहीं पर इतना पता है कि हाँ वो उस नेक्स्ट ईयर है लेके आ रहे हैं उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एडिड किया हुआ प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं सो देखते हैं कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हालांकि ये साल उनके लिए मतलब मिक्सअप रहा है अच्छा बूढ़ा जो कह सकते हो कह सकते बिकॉज उनकी आई थिंक सालों चौबीस में किन कितनी फिल्में आई है आई थिंक ये भी पता कर ही लेते हैं अगर ये पता कर रहे तो लाइक उनकी कितनी फिल्म आई है भाई वो भी जान लेते हैं टोटल आई थिंक उनकी जो फिल्म आई है इसी साल आई थिंक चार फिल्में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चार फिल्म हैं पर देखते हैं कितने फिल्में हैं उनकी मूवीज लिस्ट की अगर बात कर रहे हाँ छोटी मियाँ बड़ी मियाँ खेल खेल और वेलकम टू जंगल आई थिंक इस फिल्म को दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है कब तो ये, तो ये फिल्म रिलीज होगा दिसंबर महीने में या कब वो फिल्म आएगा शेड्यूल तो साल दो चौबीस का ही दिखा रहा, आ, रहा है अभी फिलहाल गूगल पर हाँ दिसंबर को टारगेट रखा है बीस दिसंबर का डेट टारगेट रखा है तो देखते हैं वो फिल्म

क्लासेस के साथ रिलीज़ की जाएगी मे भी मतलब काफ़ी सारे उस डेट पर मूवी आएगी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेकर्स तो क्लास नहीं चाहेंगे तो क्या होगा नहीं होगा भाई टाइम आने पर पता चलेगा तो जी हाँ सो अगेन फिल्म सिंगन अगेन फिल्म और ये फिल्म है अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों रोहित शेट्टी ने जिसको की प्रोड्यूस की जाएगी को प्रोड्यूसर उनके अंडर द प्रोडक्शन बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स उसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियो एंड अजय देवगन फिल्म जिसके स्टार्स में आपको नजर आएंगे अजय देवगन के अलावा आपको नजर आएंगे करीना कपूर खान रणबीर सिंह अक्षय कपूर सॉरी अक्षय कुमार दीपिका पाडुकुण टाइगर शरफ अर्जुन कपूर एंड जेकी शरफ एंड मैं आपको

ये यहाँ पर मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड श्रीलंका में शूट किया हुआ है जिसको की रिलीज शेड्यूल है नवंबर एक नवंबर सात चौबीस को जो कि कंसीडरिंग किया जा रहा है दिवाली को जो रिलीज डेट है ऑलरेडी आप सभी को बताये, है क्लैश है सो क्लैश के ऊपर भी बात करेंगे दयानंद सेट्टी श्वेता तिवारी सिद्धार्थ जावेद एंड रवि किशन एंड ऑलरेडी सलमान खान का कैम ऑलरेडी हो चुका है एंड कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर लेते कि कौन सा क्या किरदार है तो अजय देवगन डी सी पी बाजराव सिंह में जाएंगे करीना कपूर खान आपको इस फिल्म में अवनी अवनी कमवत सिंघम सिंगम की वाइफ के रोल में नजर आएंगे जो रिटर्न में उनकी कैरेक्टर थी वही रिटर्न कर रही है इस फिल्म में भी रणबीर सिंह एसी सिंघम सिंगम संग्राम उफ, सिंबा के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार अक्षय कुमार आएंगे दीपिका शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगे टाइगर शरफ ई शिफी वली के रोल में नजर आएंगे अर्जुन कपूर आपको इस फिल्म में डेंजर लंका के रोल में नजर आएंगे जेकी शरफ आपको इस फिल्म ओमर हाफिज के रोल में नजर आएंगे दयानंद शेट्टी सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में नजर आएंगे श्विता तिवारी शुरू बक्शी के रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ जावेद आपकी सीनियर इंस्पेक्टर संतोष के रोल में नजर आएंगे रवि किशन आपके रोल में सलमान खान सर का चुलव पांडे के कैरेक्टर उनका स्पेशल अपीयरेंस मूवी में है तो ये है कैरेक्टर कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल राइट्स की तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं तो फिल्म की जो डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ प्राइम वीडियो ने 130 करोड़ रुपए में एक सौ तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ है सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो फिल्म का हाइप एंड एक करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं दोस्तों एंड फिल्म की बजट की अगर बात करें तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है तीन से लेकर तीन करोड़ के आसपास फिल्म का बजट है तो मेसी फिल्म का बजट है और देखने काफी इंटरेस्टिंग है और आपसे भी को पता है फिल्म का जब ट्रेलर को रिलीज किया गया तो ऑलमोस्ट पांच मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है लाइक like, अमेजिंग था ट्रेलर लोगों को पसंद आया एंड लोगों कुछ लोगों का मिक्स रि, मिक्स रिव्यूज भी रहे पर आई ऑनस्टली मैं आपको बताऊँ तो ट्रेलर मुझे काफी कमाल का लगा था एंड ट्रेलर में भी हम लाइक like, uh, हर कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है ऑलरेडी हमें दिखा चुका है जो कि काफ़ी अच्छा था सभी के इंट्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया थे सो so वो काफ़ी इंजॉय इंजॉएबल थे ट्रेलर में और साथ ही फिल्म के अंदर ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रैक्ट भी दिखाए गए जो कि काफ़ी ठीक ठाक ही है पर ओवरऑल फिल्म की अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ट्रेलर काफ़ी कमाल का लगा था पर्सनली मुझे तो फिल्म का ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा था एंड आई थिंक ट्रेलर को मैंने दो या तीन बार ऑलमोस्ट देखा था तो ट्रेलर वाकई काफ़ी अच्छा था स्पेशल फिल्म के जो एक्शन सिक्वेंस वो भी काफी बढ़िया थे एंड इसके साथ ही जो मुझे काफी बढ़िया चीज लगी है फिल्म के अंदर सॉरी ट्रेलर के अंदर वो लगा है फिल्म का ट्रेलर जिस हिसाब से एडिट किया हुआ है हालांकि ट्रेलर काफी लेंथी रखा गया है पर इस लेंथी इसलिए भी रखा हुआ क्योंकि आप देख ही सकते हो कि हर एक्टर को लाइक बड़े बड़े एक्टर को तो ट्रेलर में जगह देनी चाहिए एंड बिकॉज ये फिल्म काफी यूनिवर्स में है एंड सभी यूनिवर्स लाइक सभी को लाइक इस सिंग रिटर्न्स में लाइक किया हुआ जैसे कि आप एवेंजर्स फिल्म में लाइक आप कह सकते हो किसी भी कैरेक्टर को एक फिल्म में एग्जुट किया हुआ है तो सभी को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी भी है तो सेम माइंड सेट के साथ फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया हुआ है एंड उसी के साथ फिल्म के एडिट किया हुआ है जिस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट फाइव मिनट फाइव मिनट का ट्रेलर आप सभी को नज़र आया एंड मेरे ओपिनियन है ट्रेलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है बाकी आप हमें बता सकते हो कि ट्रेलर आपके लिए एक ट्रेलर आपके लिए कैसा था एंड ट्रेलर आप को देखते वक्त क्या फील आ रहा था किसी सा अपना किसी सा अपने लाइक किस तरह की एक्सपीरियंस आपको मिला है ट्रेलर देखते वक्त तो ये डेफिनेटली शेयर कर सकता है मुझे ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा है एंड जो था मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे चुका हूँ रिव्यू भी दे चुका हूँ ब्रेक राउंड तो ऑलमोस्ट दे ही चुका हूँ एंड ट्रेलर में भी फिल्म की कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है, क्या है क्या है क्या होने वाली है तो बेसिकली जो कहानी हमें दिखाई गई है जो ट्रेलर लेवल पर भी हमें दिखाई गई है और आप सभी को बताया रोहित शेट्टी फिल्मों के अंदर माश मसाला एक्शन मतलब काफी बढ़िया होती है एंड इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के साथ एज ए राइटर के तौर तो पर डेब्यू भी किया हुआ तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है की कि और किसी हिसाब से राइटिंग हालांकि डायरेक्शन तो उसकी काफी कमाल ही है पर देखते हैं कि राइटिंग में उनकी किस हिसाब से योगदान रहने वाला है एंड रहेगी राइटिंग में सो so, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखते हैं क्या होता है फिल्म कैसे निकल कर आती है ट्रेलर में, या, फिर हमें दिखाया गया कि कि का जो कैरेक्टर है जो सिंगम सिंगम, उसी के को लिखी हुई है लाइक उसी को बचाने का काम हर एक कोई करने वाला है ट्रेलर में तो हमें यही दिखाया जा रहा है बाकी आ, क्या और ट्विस्ट है टंस्ट है की नहीं हालांकि ट्रेलर लेवल तो यही दिखा गया। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि ट्रेलर में काफी सारी चीजें ऐसी है जो मतलब छुपाई जाती है काफी हद तक चीज़ों को मेकर्स यही रखते हैं कि काफी जितना हो सके चीज़ों को कम बताए और कम बताए पर इम्पेक्ट फॉलो तो मेकर्स का ये हमेशा रहता है हर एडिटर ट्रेलर डायरेक्टर का यही रहता है कि हाँ उनकी फिल्मों को लोग थिएटर्स आके कर देखें एंड वो जो सरप्राइजेस है वो थिएटर्स में ही पता चले ना कि ट्रेलर में तो हर कोई ऐसा ही चाहता है इसी इसी माइंड के साथ रिलीज भी किया गया है पर फिल्म को फिल्म की जो ट्रेलर से ट्रेलर्स लाइक जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट अगर हुई थी जब सुनने को मिला था कि पाँच मिनट का ऑलमोस्ट ट्रेलर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पर जैसे सर ट्रेलर निकल गया तो फाइनली ट्रेलर लोगों को इंप्रेसिव करने में पूरी तरह से भी कामयाब हुआ है पर कुछ ऐसे लोग थे जो मिक्स उनका रिव्यू रहा पर ऐसा नहीं कि गलत है पर कहा तो सही है कि हाँ ये है एंड बेसिकली कैरेक्टर जो है वो काफ़ी थे बाकी देखते हैं कि करीना कपूर को कैरेक्टर का बचाने के साथ साथ और कई सारे मुद्दे नज़र आते हैं कि नहीं क्या होता है नहीं होता है तो ये तो इंटरेस्टिंग है बाकी कॉफी यूनिवर्स की जो फिल्म आई है ऑलमोस्ट इसमें लेकर फाइव फिल्म है तो ये है और इंटरेस्टिंग है कि सलमान खान का जो कैम्यू है चुलबुल पांडे का तो उसको किसी हिसाब से फिल्म में प्रेजेंट किया जा रहा सुनने में आ रहा है कि उसको पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट सीन में उनको लाइक इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैरेक्टर को छोटा सा लाइक अपीरियंस है तो ये देखने काफी इंटरेस्टिंग स्पेशली अगर मैं मूवी को देखूंगा तो सलमान सर के लिए सलमान सर के लिए बिकॉज मैं बिगेस्ट फैन हूँ सर का तो यही है बाकी उन्हीं के लिए देखूँगा बाकी तो, हालांकि उनका कैम था और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ बाकी पहले से तो था पर स्पेशली कैम्यू के लिए काफ़ी था मैं इंटरेस्टिंग हूँ कि क्या लाइक क्या माहौल रहने वाला है थिएटर्स में तो ये एक अलग लेवल का है एंड क्लास केस क्लासेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं और आप सभी को पता है कि दिवाली दिवाली का रिलीज डेट शेड्यूल है एंड आप सभी को पता है कि इस डेट पर आप पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुले यात्री भी आ रही है एंड उस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो डेफिनेटली उस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है चाहे ट्रेलर को हो या फिर टीजर को लोगों काफी की तरफ से काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिला है ऑलमोस्ट इस हिसाब से लेकर ट्रेलर को मतलब रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ है तो लोग ऑडियंस तो दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड है पर मैं ज़्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बाकी लोगों का तो पता नहीं पर मैं अपना इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज हॉर कॉमेडी फिल्में कुछ मुझे खास जमती नहीं है एंड जमती भी है पर कॉमेडी होनी चाहिए तभी जमती है पर बाकी ऐसे कॉमेडी हॉरर वगैरह मतलब वही होती है एंड ऑलरेडी बुलबुला या वन को तो ऑलरेडी देखा ही है और <coughs> टू को तो ऑलरेडी देख ही चुका हूँ तो ये है सो ये हैं बाकी लेट्स से क्या होता है कौन सी फिल्म बाजी मारती है पर आज के हिसाब से जिस लाइक हालांकि इतनी बड़ी फिल्म है तो ऑलमोस्ट कलेक्शन तो करेगी ही और इसके साथ ही फ़िल्म की अगर कहानी अगर और अच्छी निकल जाती है तो एक्सपेक्ट करना कि फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी हो सकता है कि पाँच सौ करोड़ भी क्रॉस कर सकती है या फिर उससे प्लस ही कर सकती के है अगर फिल्म का कंटेंट अगर काफी अच्छा है स्पेशली फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अगर कांग्रेसिव आता है पॉजिटिव आता है तो देख लेना फिल्म काफी बढ़िया कलेक्शन करेगी ये फिल्म एंड इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की की, की की लाइक कि किस हिसाब से कहानी दिखाएगी तो ये कहानी दिखाई दिखाई जाएगी बाजीराव सिंगम को रावण में छिपे सुरागो और विवरणों का अनुसरण करना होगा जब उनकी पत्नी अवनी को आतंकवादी जेंट लंका द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो इसी से रिलेटेड है और उनकी बीबी के साथ साथ तो आतंकवादी का भी दिखाया क्या है क्या नहीं आई डोंट नो पर ट्रेलर काफ़ी अच्छा था पर यही था फिल्म की प्रेम है लाइक प्रीमाइज की अगर बात करें तो प्रेमाइज यही था जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ एंड ओ के बारे में बात ही लिया कि जो ओ डील हुई है काफ़ी मैसिव हुई है एंड शायद uh, ही मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी बड़ी जो डील हुई है मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है आप एक्सपेक्ट तो करिए एक सौ तीस करोड़ कम नहीं होते भाई एंड एक सौ तीस करोड़ अगर थ्रेटिकल राइट्स बेच बेचकर और डिजिटल राइट्स है सेटेलाइट राइट्स है तो डेफिनेटली कहें ना ऑलमोस्ट के अगर बात करें अगर एक सौ तीस करोड़ रुपए में अगर इस फिल्म की ओ टी टी राइट्स अगर सोल्ड आउट हुई है तो आप मार्केट चल ही सकते हो कि ऐसे लाइक थ्रेटिकल तो हो ही जाएंगे लाइक कलेक्शन तो हो ही जाएंगे लाइक ओ से ही ओ टी सेटेलाइट है और अगर ओ के राइट्स तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर के ही पास ही जाएंगे एंड सेटेलाइट उन्हीं के पास जाएंगे म्यूजिक राइट्स उन्हीं के पास जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हाँ ऑलमोस्ट ढाई सौ करोड़ का तो लाइक रिकवर हो ही जाएगा जा जहाँ तक मुझे लगता है सो तो ये मैं मेहमान तो बाकी सेटेलाइट की अगर बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों मुझे सेटेलाइट के बारे में नहीं पता है कि कौन से सेटेलाइट लाइक like कंपनी के पास इस फिल्म के राइट्स है तो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है पर आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर दोस्तों मुझे अगर पता चलता है या फिर इसके बारे में मुझे, मुझे मालूम होता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा इसकी अपडेट देने की जहाँ तक मुझे लगता है कि जी सिनेमा है जी सिनेमा ही हैं जो कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है क्योंकि जी सिनेमा जी सिनेमा ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है जी सिनेमा के पास इस फिल्म की सैटेलाइट राइट्स राइट्स हैं तो आप जब भी, भी इस फिल्म को प्रीमियर की जाएगी तो ये फिल्म आपको श्री जी सिनेमा के सैटेलाइट चैनल पर ही इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी तो ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो ही चुका है कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर इस फिल्म का आपको प्रीमियर देखने को मिलने वाली है और आप सभी को बताया कि हर कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टर पोस्टर को भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था सभी के ही कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज हुए थे लाइक अक्षय कुमार हो या हो दीपिका पाडुकोण हो टाइगर श्रॉफ हो अर्जुन कपूर हो लाइक सभी का कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज़ किया हुआ है एंड चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर आई थिंक सभी को बचाने का काम करेगा ही एंड कलेक्शन कलेक्शन को भी बचाने का काम करेगा मुझे जहाँ तक लगता है अगर उसको अगर लीक ना हो तो ये है बाकी हाँ फिल्म काफ़ी अच्छे करेगी अगर कहानियाँ अच्छी निकल कर आती है एंड काफ़ी अच्छे जैसे कि स्ट्रिक्स छोटे मोटे जो स्ट्रिक्स दिखाए गए हैं उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आप सभी को ही बता चुका हूँ एंड ओवरऑल फिल्म को लेकर तो लोगों का काफ़ी अच्छा रहा बाकी एडवांस बुकिंग की अगर कर बात करते तो मे बी स्टार्ट हो ही जाएंगे एंड फिल्म की रिलीज़ डेट की अगर कर बात करें तो ऑलमोस्ट रिलीज़ के आई थिंक ऑलमोस्ट अभी भी एक वीक बचा हुआ है एंड एक बिग बात फिल्म को रिलीज़ की जाएगी इस फिल्म को सिनेमा घरों में और कार्तिक आर्यन की फिल्म आ रही है हालांकि जिस हिसाब से भूल भुलैया टू ने कलेक्शन किया हुआ था वाकई काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आए थे एंड उस टाइम आई हालांकि कोई फिल्म नहीं चल रही थी आई थिंक पैंडमिक के बाद वो फिल्म आई थी पैंड पैंडमिक के बाद नहीं पर हाँ लाइक उस टाइम मतलब फिल्में कम ही चल रही थी तब मतलब फिल्में दी हैं काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की हैं तो ये है और बजट तो 300 से लाइक ज़्यादा ही है तो ये फिल्म का बजट है एंड कास्टिंग आप देख लो कास्टिंग में भी लाइक काफ़ी सारे एक्टर को और नाम देखने को मिल रहा है बाकी अगर ये कॉफ़ यूनिवर्स की अगर बात करें हालांकि कॉफ़ यूनिवर्स की कितनी फिल्में हिट हुई है नहीं हुई इसके बारे में तो नहीं ज़्यादा पता है पर क्योंकि उस टाइम में तो वीडियोज इस तरह की वीडियोज़ तो नहीं बनाता था तो जिसलिए जिसलिए कलेक्शन वगैरह के बारे में नहीं पता है तो ये है बाकी कौन सा उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जैसे अर्जुन कपूर उसका इस फिल्म उनका मेन विलन का रोल है बाकी उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने तो ने तारीफ ही की है सो ये है एंड इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें रणबीर की तो उनकी आई थिंक सिम्बा फिल्म ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है जहाँ तक मुझे लगता है कि सिंह सिंह जो उनका सिम्बा फिल्म आई थी लाइक वो हिट आई थिंक वो ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी पर मुझे तो इतना ही पता है और हाँ सूर्यवंशी वो सुपर हिट फिल्म साबित हुई नो डाउट एंड जैसे कि सिंगम सिंगम रि, रिटर्न्स वो फिल्में भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की थी बॉक्स ऑफिस पर आई थिंक एंड सिंगम की अगर उसकी अगर बात करें लाइक कलेक्शन की वो सिम्बा की कलेक्शन की अगर बात करें तो चलिए कलेक्शन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं अगर कर लेते हालांकि जहाँ तक मुझे जितना पता चलेगा उतना ही मैं आप सभी को बताऊंगा तो कलेक्शन हाँ चार सौ करो एस्टिमेटेड दिखा रहा है बजट अराउंड एट्टी करोड़ से चार सौ कलेक्शन किया आई डोंट नो ये एग्जैक्ट कलेक्शन है कि नहीं पर मुझे नहीं पता पर ये फिल्म साल दो अट्ठारह में आई थी तो उसके बारे में तो नहीं पता पर सो so क्या होता हाँ रणबीर की फिल्में तो चलती है नो no डाउट उनकी रॉकी और प्रेम कहानी आई थी वो फिल्में भी चली थी एंड लोगों ने फिल्म को पसंद भी किया होता देखा था हालाँकि इस फिल्म के ऊपर मुझे वीडियोज़ बनानी है बिकॉज <laughs> और इसके साथ ही रणबीर कपूर की जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म है तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब हमारा चैनल अच्छा तो इसी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आते थे और यही चाहिए जो हम चैनल को लीड कर रहे थे व्यूज़ के मामले में तो खैर अभी भी इस फिल्म के ऊपर नहीं वीडियोज़ बना पाए तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि इस फिल्म के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो देखते दे हैं लड़स कब बना पाता हूँ एंड हालांकि इस फिल्म के ऊपर अभी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है पर डेफिनेटली ये बनानी तो चाहिए तो लेट्स सी ये पॉसिबल कब होता है लाइक ये कब होता है तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है तो लेट्स सी देखते हैं और इसके साथ ही बात रही सिंगम अगेन की मूवी के बारे में तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो डिटेल्स हैं आई थिंक सभी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी बताने लायक है इस फिल्म से रिलेटेड जो था एंड वो तो मैं आप सभी को खुलकर आप सभी को बता चुका हूँ एंड और क्या था भाई कुछ है बताने लायक कुछ नहीं है पर कोई बात नहीं पर वीडियो तो मुझे लंबी बनानी है और यही है और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की जो कलेक्शन की मेरी प्रोडक्शन की तो अभी भी फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है मे बी एडवांस बुकिंग है जो रिलीज डेट है ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है आई थिंक दो दिन पहले या फिर एक वीक पहले इसकी एडवांस बुकिंग जो स्टार्ट की जाएगी आई थिंक एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट डेट तो देखा था हालांकि या अभी याद नहीं आ रहा कि कौन से डेट पर एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट किया जाएगा और किया जाने वाला था फिलहाल तो अभी डेट नहीं याद आ रहा है पर हाँ इस फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द की जाएगी एडवा एडवांस बुकिंग को लेकर एंड इसके साथ ही फिल्मिंग अभी काफ़ी सारी चीज़ें जिनके ऊपर अभी बात नहीं कर पाए भाई तो चलिए उसके ऊपर बातें कर लेते हैं प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सितंबर साल सौ सत्रह को रोहित सेट्टी के दौरान रणबीर कपूर के साथ रिवील किया था एंड था 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 उन्होंने एं देवगान फीचर है एंड उसके साथ ही बाद में रिवील किया गया कि प्रोडक्शन डॉट बट डिड नॉट रिवील जनवरी सात हजार बीस को अजय देवगन ने हिंट दिया था वर्क को लेकर

एंटेगनिस्ट करोल है लेकिन उसके अलावा अक्षय कुमार रणबीर सिंह एंड और रिपोर्ट आया कि नवम्बर को उनके पुराने फिल्म को जो कैरेक्टर के सिम्बा का उनका भी कैरेक्टर रिप्राइज हो रहा है होने जा रहा है इसके साथ ही एक दिसंबर साल बीस को कोलेवरसन सेट्टी के साथ से अनाउंसमेंट किया था प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिसियली फिल्म के टाइटल को अनाउंसमेंट किया था अनाउंस किया था प्रोडक्शन करके एंड उसको नाम दिया गया था एंड जैसे जद फिनिश किया था वोला फिल्म के शूटिंग जो कि साल वो फिल्म तेईस में आई थी इसके साथ ही कास्टिंग की अगर बात करें तो अजय देवगानीना कपूर खान अक्षय कुमार रणबीर कपूर जय के सर अपने दयानंद सेट्टी एंड अदर जो रिमेनिंग के एक्टर्स थे उनको रिप्राइज किया गया था रिस्पेक्टिवली उनके रोल्स के लिए प्रीवियस फिल्मों के लिए जो कि कॉफी यूनिवर्स में किया गया था दीपिका भाटून टाइगर शराब एंड श्वेता तिवारी की अगर बात करें जो कि ऐड किया गया इस फिल्म के लिए लेटर अर्जुन कपूर का जो को फरवरी सातों तीस में आया था कि वो उस फिल्म से बाहर है पर उनका कैरेक्टर रिपोर्ट आया कि नहीं श्री लंकत मिलेटेंट करके वो कैरेक्टर like, मूवी में है सठ साल बाईस में चौबीस में रूमर्स ये भी था कि सलमान खान लाइक रूमर्स फैल रहे थे कि सलमान खान का कैमए होगा पर चुल पांडे का लेटर ये कंसिडर किया था सलमान खान को पर नहीं था पर फ्यू डेज लेटर ये कंफर्म हो चुका था उसका कंफर्म है एंड दोस्तों मूवी के फिल्मिंग की अगर बात करें तो पिंसल फोटोग्राफी को सठ साल तेईस में रखा गया था मोरत पूजा रखा गया था तो इसरा स्टूडियो इस मुंबई में एंड फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल था उसको सेम लोकेशन में भी किया गया जिसमें कि रणबीर सिंह एंड ऑल्सो शेड्यूल में, में और सुधा तिवारी भी ऑलरेडी ज्वाइन थे गवर्नर ऑफ करीना कपूर भी थे सेकंड शेड्यूल की बात करें तो पाँच अक्टूबर से हैदराबाद को रखा था जो कि मेजर पोस्ट ने शूट किया था एंड ऑल्सो कास्ट मेंबर थे एंड करीना कपूर भी ऑलरेडी ज्वाइन थे एंड छः अक्टूबर अजय देवगन को अक्षय कुमार को रिवील किया गया टाइगर शरफ का एंड अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को क्या हुआ था रैप अप क्या है उनके पोषण को एंड रणबीर कपूर रैप अप किया था उनके खुद के पोषण का सेकंड से शेड्यूल को रैप अप किया था सात नवंबर को फिल्मिंग रिज्यूम हुई थी उन्नीस नवंबर को जिसमें कि महादायलैंड में शूटिंग महाद लोकेशन सीन्स रखे गए थे जिसमें कि फेयर हंड्रेड एक्टर्स को रोप किया था सेंस में रिक्वायर्ड किया था जो कि यूज़ कराउड दिखाए था लास्ट वीक के नवंबर में तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई है भाई और इसके अलावा फरवरी सालों चौबीस में टाइगर शरफ का जो अप था सीन से ऑलरेडी फिल्म सिटी में उसको फिल्माया गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के एंड फाइव सीक्वेंसेस को भी यहाँ पर शूट किया गया था जिसमें कि अजय देवगन दयान से टेंसविता इंक्लूडिंग uh, थे और करुणा कपूर खान अर्जुन कपूर यहाँ पर थर्ड वीक ऑफ अप्रैल दो हजार चौबीस को अक्षय कुमार के द्वारा रिमेन किया उनकी पोजिशन का जो सीन बाकी था उन्होंने सूट किया था राजो रामोजी फिल्म सिटी में दीपक अवर्ड उनको ऑलरेडी सीन्स थे जहाँ पर गोल्डन टेम्बल को फैक्ट्री में उसको शूट किया गया था तो ये था <laughs> बाकी कश्मीर के शॉट लिए गए थे जितेन पोषण किया था वगैरह एवर किया गया था पनवेल में तो काफी सारी चीजें जो कि मेकर्स ने ट्राई किया वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोकेशन में इंडिया में ही रखा हुआ जो कि मेजर पोर्स है एंड इंडिया के अंदर शूट किया गया तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी बाहर की कंट्रीज में तो को शूटिंग तो नहीं किया हुआ है जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगा है एंड जो था मैंने तो ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि हाँ मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड जो फिल्म की शूटिंग हुए लाइक जो हुई है शूटिंग दीवाल में लाइक उसको शूटिंग नहीं कहेंगे ब्रो उसको कहेंगे क्या कहेंगे ब्रो रिलीज डेट हाँ रिलीज डेट शेड्यूल्स हैं सो मेकर्स का तो ये प्लान है बाकी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें कब और कैसे चीज़ें फाइनलाइज होता है मेकर्स तो टारगेट तो कर रहे हैं रिलीज़ करने का बाकी ये फिल्म अगर सफल होता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि हाँ कलेक्शन तो अच्छी रिपोर्ट अगर निकल कर आते हैं तो मान के चलना कि फिल्म बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये करेगी इतना तो कन्फर्म है भाई एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो फिल्म को लाइक एक्साइटेड तो है कि हाँ उनकी फिल्म चले ये वो, वो ये है सो so, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वीडियोस है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या था क्या नहीं है सो so, ये था वीडियोस आई थिंक वीडियोस को ख़त्म करने का टाइम आ चुका बिकॉज बताने लायक कुछ है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। बाकी फिल्म की कलेक्शन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हाइप जिस हिसाब से तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा ओपनिंग ले सकती है मूवी और दिवाली भी है ऊपर से लाइक क्लास है तो क्लास जहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इम्पेक्ट होगा पर यह लगता है कि अगर अच्छे नंबर आएंगे ओपनिंग अच्छे करेंगे कलेक्शन के तो लेट्स ही देखते हैं कि कैसा रहता है कलेक्शन वगैरह एंड दो एक दिन में फिल्म की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट वो तो भी आना स्टार्ट हो जाएगा कि फिल्म का एडवांस बुकिंग लेवल में कैसा है नहीं है किस हिसाब से कलेक्शन किया हुआ कर रही है तो डेफिनेटली वो एडवांस बुकिंग में भी हमें सभी को पता चलने वाला है फिलहाल तो ये है बाकी हाँ फिल्म की फ्रेमाइज के बारे में बता चुका हूँ कास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ और बात रही फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की हाँ तो उसके ऊपर अभी भी नहीं बात कर पाया बिकॉज चीज़ें सही नहीं है लाइक like चीज़ें सही इट्स मीन्स कि हाँ फिल्म रिलीज नहीं हुई तो जिसकी जल्दी नहीं बता पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं लाइक like और एक बिग का ही टाइम बचा हुआ है आई थिंक आज काफ़ी सारी में रिलीज होने वाले हैं मैं एक्साइटेड हूँ वैनम के लिए आ, तो लेट्स से देखते हैं वैनम और आज रात के आठ बजे साउथ को और और एक बहुत बड़ी फिल्म आएगी तो जल्दी जल्दी इन सभी वीडियोज़ को भी बनाना है और आज ही एडिट करना है बाकी कल तो उन्हें प्रोजेक्ट्स पर काम करने स्टार्ट कर देंगे तो देखते हैं कि ऑलरेडी तो चार वीडियो और ये इस वीडियो को मिलाकर चार वीडियो हैं तो तो देखते हैं कि चारों वीडियो को अपलोड कर पाता है कि नहीं अपलोड कर पाता हो कि रेडिट हो जाता है टाइम पे तो डेफिनेटली वीडियो तो आ जाएगी आप लोग देख ही लेना बाकी दो बजने को है पर अभी भी रिकॉर्डिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है आई थिंक नौ बजे से बैठा हुआ नौ दस नौ दस ग्यारह बारह एक दो ऑलमोस्ट आई थिंक भाई क्या हो रहा है पाँच घंटे हो चुके भाई पाँच अभी भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए थे तो दो घंटे का काम तीन हाँ एक भाई ह्यूमन तो हो रोबोट तो होने की लगातार काम कर सको तो ये तो और क्या है बच्चे बताने लायक कुछ है और और कुछ तो है नहीं बाकी हाँ चारों वीडियोस तो बना चुका हूँ चार वीडियोस आ जाते तो आपको मिल जाएंगे लिंक और आप देख भी लेना अगर आ जाते सभी वीडियोस तो अगर आ जाते तो देख लेना ठीक है ना भाई क्या कर रहा हूँ भाई लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ सो ये और लेट्स सी आगे क्या होता है क्या होता है अक्षय कुमार के हाँ अक्षय कुमार सर के जो फिल्म के की तो लाइनअप की अगर बात करें तो मे भी उनके लाइनअप की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग है बिकॉज अक्षय कुमार की फिल्म ऑलरेडी साल तो इसी साल तो और नहीं आ रही आई थिंक नहीं आ रही है ये फिल्म आएगी उसके बाद नहीं आएगी हालांकि हाँ उसके बाद तो नहीं आएगी डायरेक्टली सालों पच्चीस में उनकी फिल्म रिलीज की जाएगी पर कौन सी फिल्म रिलीज़ होगी कौन से रिलीज हो, कौन से हो पाएगी ये तो पता नहीं पर इतना पता है कि हाँ वो उस नेक्स्ट ईयर है लेके आ रहे हैं उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एडिट किया हुआ प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं सो देखते हैं कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हालांकि ये साल उनके लिए मतलब मिक्सअप रहा है अच्छा बूढ़ा जो कह सकते हो कह सकते बिकॉज उनकी आई थिंक सालों चौबीस में किन कितनी फिल्में आई है आई थिंक ये भी पता कर ही लेते हैं अगर ये पता कर रहे तो लाइक उनकी कितनी फिल्म आई है भाई वो भी जान लेते हैं टोटल आई थिंक उनकी जो फिल्म आई है इसी साल आई थिंक चार फिल्में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चार फिल्म हैं पर देखते हैं कितने फिल्म हैं उनकी मूवीज लिस्ट की अगर बात कर रहे हाँ छोटी मियाँ बड़ी मियाँ खेल खेल और वेलकम टू जंगल आई थिंक इस फिल्म को दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है, तो है तो या कब में में वो फिल्म आएगा शेड्यूल तो साल दो चौबीस का ही दिखा रहा अभी फिलहाल गूगल पर हाँ दिसंबर को टारगेट रखा है बीस दिसंबर का डेट टारगेट रखा है तो देखते हैं वो फिल्म है एंड वेलकम सीरीज की आई थिंक पांचवी फिल्म आई थिंक वेलकम वेलकम बैक उसके बाद वेलकम टू इनका थर्ड पार्ट है सो so, ये थर्ड पार्ट आएगी पर कब तक आएगी जो रिलीज डेट ट्वेंटी दिसंबर का दिखा रहा है बट मे बी डेट चेंजेस हो सकते हैं मे बी प्रीपोर्ड पोस्टपोन मे भी किया जा सकता है प्रीपोन तो नहीं पर पोस्टपोन ऑल किया जा सकता है बिकॉज दिसंबर में ना हैवीली क्लासेस के साथ रिलीज़ की जाएगी मे भी मतलब काफ़ी सारे उस डेट पर मूवी आएगी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेकर्स तो क्लास नहीं चाहेंगे तो क्या होगा नहीं होगा भाई टाइम आने पर पता चलेगा तो जी हाँ सो अगेन फिल्म सिंगम अगेन फिल्म और ये फिल्म है अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों रोहित शेट्टी ने जिसको की प्रोड्यूस की जाएगी को प्रोड्यूसर उनके अंडर द प्रोडक्शन बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स उसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो एंड अजय देवगन फिल्म जिसके स्टार्स में आपको नजर आएंगे अजय देवगन के अलावा आपको नजर आएंगे करीना कपूर खान रणबीर सिंह अक्षय कपूर सॉरी अक्षय कुमार दीपिका पाडुकुण टाइगर शरफ अर्जुन कपूर एंड जेकी शरफ एंड मैं आपको बता देना चाहूंगा की शेट्टी के द्वारा एज ए

में शूट किया हुआ है जिसको की रिलीज शेड्यूल है नवंबर एक नवंबर सात चौबीस को जो कि कंसीडरिंग किया जा रहा है दिवाली को जो रिलीज डेट है ऑलरेडी आप सभी को पता है क्लैश है सो so क्लैश के ऊपर भी बात करेंगे दयानंद सेट्टी श्विता तिवारी सिद्धार्थ जावेद एंड रवि किशन एंड ऑलरेडी सलमान खान का कैम ऑलरेडी हो चुका है एंड कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कौन सा क्या किरदार है तो अजय देवगन डी सी पी बाजराव सिंह के रोल में जाएंगे ना, कपूर खान आपको इस फिल्म में अवनी अभिन कमवत और सिंगम की वाइफ की रोल में नजर आएंगे जो रिटर्न में उनकी कैरेक्टर थी वही रिटर्न कर रही है इस फिल्म में भी रणबीर सिंह ऐसी सिंघम संग्राम सिम्बा के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार अक्षय कुमार आपको नजर आएंगे दीपिका पॉटुग एसपी शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगे टाइगर शरफ ई शिफी वली के रोल में नजर आएंगे अर्जुन कपूर आपको इस फिल्म में डेंजर लंका के रोल में नजर आएंगे जेकी शरफ आपको इस फिल्म ओम हाफीज के रोल में नजर आएंगे दयानंद शेट्टी सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में नजर आएंगे श्विता तिवारी सुरती बक्शी के रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ जावेद आपकी सीनियर इंस्पेक्टर संतोष के रोल में उतरेंगे रवि किशन आपके स्पिन मिनिस्टर के रोल में उतरेंगे और सलमान खान सर का चुलबुल पांडे के कैरेक्टर उनका स्पेशल अपीयरेंस मूवी में है तो ये है कैरेक्टर कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ एंड दोस्तों फिल्म की अगर बात करें डिजिटल राइट्स की तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं तो फिल्म की जो डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ प्राइम वीडियो ने 130 करोड़ रुपए में जी हाँ एक रुपए में इस फिल्म में डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ है सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो फिल्म का हाइप एंड एक करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं दोस्तों एंड फिल्म की बजट की अगर बात करें तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है तीन से लेकर तीन करोड़ के आसपास का बजट है तो मेसी फिल्म का बजट है और देखने काफी इंटरेस्टिंग है और आपसे भी को बताया फिल्म का जब ट्रेलर को रिलीज किया गया तो ऑलमोस्ट पांच मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है लाइक like, अमेजिंग था ट्रेलर लोगों को पसंद आया एंड लोगों कुछ लोगों का मिक्स मिक्स रिव्यूज भी रहे पर आई मैं आपको बताऊं तो ट्रेलर मुझे काफी कमाल का लगा था एंड ट्रेलर में भी हम लाइक हर कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है ऑलरेडी हमें दिखा चुका है जो कि काफी अच्छा था सीबी के इंट्रोडक्शन काफी बढ़िया थे सो so, वो काफी इंजॉय इंजॉयबल थे ट्रेलर में और साथ ही फिल्म के अंदर ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रैक्ट भी दिखाए गए जो कि काफी ठीक ठाक ही है पर ओवरऑल फिल्म की अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ट्रेलर काफी कम

तो देख ही सकते हो कि हर एक्टर को लाइक बड़े बड़े एक्टर को तो ट्रेलर में जगह देनी चाहिए एंड बिकॉज़ ये फिल्म काफी यूनिवर्स में है एंड सभी यूनिवर्स लाइक सभी को लाइक इस uh, सिंग एम रिटर्न में लाइक किया हुआ जैसे कि आप एवेंजर्स फिल्म में लाइक आप कह सकते हो कि सभी कैरेक्टर को एक फिल्म में एग्जुट किया हुआ है तो सभी को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी भी है तो सेम माइंड सेट के साथ फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया हुआ है एंड उसी के साथ फिल्म को एडिट किया हुआ है जिस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट फाइव मिन, मिनट फाइव मिनट का ट्रेलर आप सभी को नज़र आया एंड मेरे ओपिनियन है ट्रेलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है बाकी आप हमें बता सकते हो कि ट्रेलर आपके लिए का, का, ट्रेलर आपके लिए कैसा था एंड ट्रेलर आप को देखते वक्त क्या फील आ रहा था किसी सा अपना किसी सा अपने लाइक किस तरह की एक्सपीरियंस आपको मिला है ट्रेलर देखते वक्त तो ये डेफिनेटली शेयर कर सकते हो एंड मुझे ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा है एंड जो था मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे चुका हूँ रिव्यू भी दे चुका हूँ ब्रेक डाउन तो ऑलमोस्ट दे ही चुका हूँ एंड ट्रेलर में भी फिल्म की कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है, क्या है क्या है क्या होने वाली है तो बेसिकली जो कहानी हमें दिखाई गई है जो ट्रेलर लेवल पर भी हमें दिखाई गई है और आप सभी को बताया रोहित शेट्टी फिल्मों के अंदर माश मसाला एक्शन मतलब काफी बढ़िया होती है एंड इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के साथ एज ए राइटर के तौर तो पर डेब्यू भी किया हुआ तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि और किसी हिसाब से राइटिंग हालांकि डायरेक्शन तो उसकी काफी कमाल ही है पर कि देखते हैं कि राइटिंग में उनकी किस हिसाब से योगदान रहने वाला है एंड रहेगी राइटिंग में सो so, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखते हैं क्या होता है फिल्म कैसे निकल कर आती है लिखी हुई है लाइक उसी को बचाने का काम हर एक कोई करने वाला है ट्रेलर में तो हमें यही दिखाया जा रहा है बाकी आ, क्या और ट्विस्ट है टंस्ट है ट्विस्ट एंड टंस्ट है ट्रेलर लेवल तो यही दिखाया गया। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि ट्रेलर में काफी सारी चीजें ऐसी है जो मतलब छुपाई जाती है काफी हद तक चीजों को मेकर्स यही रखते हैं कि काफ़ी। जितना हो सके चीजों को कम बताए और कम बताए पर इंपेक्ट हो तो मेकर्स का ये हमेशा रहता है हर एडिटर ट्रेलर डायरेक्टर का यही रहता है कि हाँ उनकी फिल्म को लोग थिएटर्स आके कर देखे एंड वो जो सरप्राइजेस है वो थिएटर्स में ही पता चले ना कि ट्रेलर में तो हर कोई ऐसा ही चाहता है इसी इसी माइंड के साथ रिलीज भी किया गया है पर फिल्म को फिल्म की जो ट्रेलर्स है ट्रेलर्स लाइक जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट अगर हुई थी जब सुनने को मिला था कि पाँच मिनट का ऑलमोस्ट ट्रेलर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पर जैसे सर ट्रेलर निकल गया तो फाइनली ट्रेलर लोगों को इम्प्रेसिव करने में पूरी तरह से भी कामयाब हुआ है पर कुछ ऐसे लोग थे जो मिक्स उनका रिव्यू रहा पर ऐसा नहीं है कि गलत है पर कहा तो सही है कि हाँ ये है एंड बेसिकली कैरेक्टर जो है वो काफ़ी थे बाकी देखते हैं कि करीना कपूर को कैरेक्टर का बचाने के साथ साथ और कई सारे मुद्दे नजर आते हैं कि नहीं क्या होता है नहीं होता है तो ये तो इंटरेस्टिंग है बाकी कॉफी यूनिवर्स की जो फिल्म आई है ऑलमोस्ट इसमें लेकर फाइव फिल्म है तो ये है और इंटरेस्टिंग है कि सलमान खान का जो कैम्यू है चुलबुल पांडे का तो उसको किसी हिसाब से फिल्म में प्रेजेंट किया जा रहा है सुनने में आ रहा है कि उसको पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट सीन में उनको लाइक इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैरेक्टर को छोटा सा लाइक अपीरियंस है तो ये देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें चलिए अगर मैं मूवी को देखूंगा तो सलमान सर के लिए सलमान सर के लिए बिकॉज मैं बिगेस्ट फैन हूँ सर का तो यही है बाकी उन्हीं के लिए देखूँगा बाकी तो, हालांकि उनका कैमू था और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ बाकी पहले से तो था पर स्पेशली कैमियों के लिए काफ़ी तो मैं इंटरेस्टिंग हूँ कि क्या लाइक क्या माहौल रहने वाला है थिएटर्स में तो ये एक अलग लेवल का है एंड क्लास क्लैस क्लासेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं और आप सभी को पता है कि दिवाली दिवाली का रिलीज डेट शेड्यूल है एंड आप सभी को पता है कि इस डेट पर आप पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुले यात्री भी आ रही है एंड उस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो डेफिनेटली उस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है चाहे ट्रेलर को हो या फिर टीज़र को लोगों काफी की तरफ से काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है ऑलमोस्ट इस हिसाब से लेकर ट्रेलर को मतलब रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ है तो लोग ऑडियंस तो दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड है पर मैं ज़्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बाकी लोगों का तो पता नहीं पर मैं अपने इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज और कॉमेडी फिल्म में कुछ मुझे खास जमती नहीं है एंड जमती भी है पर कॉमेडी होनी चाहिए तभी जमती है पर बाकी ऐसे कॉमेडी हॉरर वगैरह मतलब वही होती है एंड ऑलरेडी बुलबुल या वन को तो ऑलरेडी देखा ही है और <coughs> तो ऑलरेडी देख ही चुका हूँ तो ये है सो ये है बाकी लेट्स से क्या होता है कौन सी फिल्म बाजी मारती है पर आज के हिसाब से जिस लाइक हालांकि इतनी बड़ी फिल्म है तो ऑलमोस्ट कलेक्शन तो करेगी ही और इसके साथ ही फ़िल्म की कहानी का और अच्छी निकल जाती है तो एक्सपेक्ट करना कि फ़िल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी हो सकता है कि पाँच सौ करोड़ भी क्रॉस कर सकती है या फिर उससे ही कर सकती के है अगर अच्छा फिल्म का कंटेंट अगर काफ़ी अच्छा है स्पेशली फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अगर स्ट्रॉन्ग आता है पॉजिटिव आता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी ये फिल्म एंड इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की प्राइमर्स की लाइक प्रीमाइज की, की किसी हिसाब से कहानी दिखाएगी तो ये कहानी दिखाई जाएगी बाजीराव सिंघम को रावण में छिपे सुरागों और विवरणों का अनुसारण करना होगा जब उनकी पत्नी अवनी को आतंकवादी एजेंट लंका द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो इसी से रिलेटेड है और उनकी बीबी के साथ साथ तो आतंकवादी का भी दिखाया क्या है क्या, है, क्या नहीं आई डोंट नो पर ट्रेलर काफ़ी अच्छा था पर यही था फिल्म की प्रेम है लाइक like, uh, प्रमाइज़ की अगर बात करें तो प्रेमाइज यही था जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ एंड ओ के बारे में बात करी लिया कि जो ओ डील हुई है काफ़ी मैसिव हुई है एंड शायद ही मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी बड़ी जो डील हुई है मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है आप एक्सपेक्ट तो करिए एक करोड़ कम नहीं होते भाई एंड 130 करोड़ अगर थ्रेटिकल राइट्स बेच कर और डिजिटल राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है तो डेफिनेटली कहीं ना कि ऑलमोस्ट के अगर बात करिए अगर एक सौ करोड़ रुपये में अगर इस फिल्म की ओ राइट्स अगर सोल्ड आउट हुई है तो आप मान के चल ही सकते हो कि ऐसे लाइक like, थिएटिकल तो हो ही जाएंगे लाइक like, कलेक्शन तो हो ही जाएंगे लाइक like, ओ से ही ओ टी सेटेलाइट है और अगर ओ के राइट्स तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर के ही पास ही जाएंगे एंड सेटेलाइट उन्हीं के पास जाएंगे म्यूजिक राइट्स उन्हीं के पास जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हाँ ऑलमोस्ट ढाई सौ करोड़ का तो लाइक रिकवर हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है सो so, ये मैं मानता हूँ बाकी सेटेलैट की अगर बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों मुझे सेटेलैट के बारे में नहीं पता है कि कौन से सेटेलाइट लाइक कंपनी के पास स्पिल के, के राइट्स है तो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है पर आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर दोस्तों मुझे अगर पता चलता है या फिर इसके बारे में मुझे मालूम होता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा इसकी अपडेट देने की जहाँ तक मुझे लगता है कि जी सिनेमा है जी सिनेमा है जो कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है क्योंकि जी सिनेमा, जी सिनेमा ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है जी सिनेमा के पास इस फिल्म की सेटेलाइट राइट्स राइट्स हैं तो आप जब भी, भी इस फिल्म को प्रीमियर की जाएगी तो ये फिल्म आपको श्री प्रदूप जी सिन्नेमा के सैटेलाइट चैनल पर ही इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी तो ये तो ऑलरेडी कन्फर्म हो ही चुका है कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर इस फिल्म का आपको प्रीमियर देखने को मिलने वाली है और आप सभी को बताया कि हर कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टर पोस्टर को भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था सभी के ही कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज हुए थे लाइक अक्षय कुमार हो या हो दीपिका पाडुकोण हो टाइगर श्रॉफ हो अर्जुन कपूर हो लाइक सभी का कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज़ किया हुआ है एंड चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर आई थिंक सभी को बचाने का काम करेगा ही एंड कलेक्शन कलेक्शन को भी बचाने का काम करेगा मुझे जहाँ तक लगता है अगर उसको अगर लीक ना हो तो ये है बाकी हाँ फिल्म काफ़ी अच्छे करेगी अगर कहानियाँ अच्छी निकल कर आती है एंड काफ़ी अच्छे जैसे कि स्ट्रिक्स छोटे मोटे जो स्ट्रिक्स दिखाए गए हैं उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आप सभी को ही बता चुका हूँ एंड ओवरऑल फिल्म को लेकर तो लोगों का काफ़ी अच्छा रहा बाकी एडवांस बुकिंग की अगर कर बात करते तो मे बी स्टार्ट हो ही जाएंगे एंड फिल्म की रिलीज डेट की अगर कर बात करें तो ऑलमोस्ट रिलीज़ के आई थिंक ऑलमोस्ट अभी भी एक वीक बचा हुआ है एंड एक बिग बात फिल्म को रिलीज़ की जाएगी इस फिल्म को सिनेमाघरों में और कार्तिक रियन की फिल्म आ रही है हालांकि जिस हिसाब से भूल भुलैया टू ने कलेक्शन किया हुआ था वाकई काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आए थे एंड उस टाइम आई हालाँकि कोई फिल्म नहीं चल रही थी आई थिंक पैंडमिक के बाद वो फिल्म आई थी पैंड पैंडमिक के बाद नहीं पर हाँ लाइक उस टाइम मतलब फिल्में कम ही चल रही थी तब मतलब फिल्में दी हैं काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की है तो ये हैं और बजट तो 300 से लाइक ज़्यादा ही है तो ये फिल्म का बजट है एंड कास्टिंग आप देख लो कास्टिंग में भी लाइक काफ़ी सारे एक्टर का और नाम देखने को मिल रहा है बाकी अगर ये कॉफ़ यूनिवर्स की अगर बात करें हालांकि कॉफ़ यूनिवर्स की कितनी फिल्में हिट हुई है नहीं हुई इसके बारे में तो नहीं ज़्यादा पता है पर क्योंकि उस टाइम में तो वीडियोज़ इस तरह की वीडियोज तो नहीं बनाता था, था। जिसलिए जिसलिए कलेक्शन वगैरह के बारे में नहीं पता है तो ये है बाकी कौन सा उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जैसे अर्जुन कपूर उसका इस फिल्म में उनका मेन विलन का रोल है बाकी उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने, तो, ने तो तारीफ ही की है सो ये है एंड इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर बात करें रणबीर की तो उनकी आई थिंक सिम्बा फिल्म ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है जहाँ तक मुझे लगता है कि सिंह सिंह जो उनका सिम्बा फिल्म आई थी लाइक वो हिट आई थिंक वो ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी पर मुझे तो इतना ही पता है और हाँ सूर्यवंशी वो सुपर हिट फिल्म साबित हुई नो डाउट एंड जैसे कि सिंगम सिंगम रि, रिटर्न्स वो फिल्में भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन की थी बॉक्स ऑफिस पर आई थिंक एंड सिंगम की अगर उसकी अगर बात करें लाइक कलेक्शन की सिम्बा की कलेक्शन की अगर बात करें तो चलिए कलेक्शन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं अगर कर लेते हैं हालांकि जहाँ तक मुझे जितना पता चलेगा उतना ही मैं आप सभी को बताऊंगा सो कलेक्शन हाँ चार सौ करो एस्टिटेड दिखा रहा हैं बजट अराउंड અન 80 કરોડ થી 400 કલેક્શન ક્યાં આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટ કલેક્શન હે કે ની પર મુજે નહીં પતા પર યે ફિલ્મ સાલ 2018 માં આઈ થી તો ઉસકે બારે મે તો નહીં પતા પર સો ક્યાં ઉદાહરણ રનવીર કી ફિલ્મ મે તો ચલતી હે નો ડાઉટ ઉનકી રોકી ઓર પ્રેમ કહાની આઈ થી વો ફિલ્મ મે ભી ચલી થી એન્ડ લોગોને ફિલ્મ કો પસંદ ભી કિયા હોતા دیکھا تھا હાલાકી ફिल्म ક્યુબર મોઝે વિડિયોસ બનાની હે બીકોઝ और इसके साथ ही रणबीर कपूर की जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब हमारा चैनल अच्छा हो तो इसी वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आते थे और यही छे जो हमारे चैनल को लीड कर रहे थे फ्यूज़ के मामले में तो खैर अभी भी इस फिल्म के ऊपर नहीं वीडियोज़ बना पा तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि इस फिल्म के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो देखते दे हैं लड़स कब बना पाता हूँ एंड हालांकि इस फिल्म के ऊपर अभी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है पर डेफिनेटली ये बनानी तो चाहिए तो लेट्स सी ये पॉसिबल कब होता है लाइक ये कब होता है तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला तो लेट्स सी देखते हैं और इसके साथ ही बात रही सिंगम अगेन की मूवी के बारे में तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो डिटेल्स हैं आई थिंक सभी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी बताने लायक है इस फिल्म से रिलेटेड जो था एंड वो तो मैं आप सभी को खुलकर आप सभी को बता चुका हूँ एंड और क्या था भाई कुछ है बताने लायक कुछ नहीं है पर कोई बात नहीं पर वीडियो तो मुझे लंबी बनानी है और यही है और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की जब कलेक्शन की मेरी प्रोडक्शन की तो अभी भी फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है मे बी एडवांस बुकिंग है जो रिलीज़ डेट है ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है आई थिंक दो दिन पहले या फिर एक वीक पहले इसकी एडवांस बुकिंग जो स्टार्ट की जाएगी आई थिंक एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट डेट तो देखा था हालांकि या अभी याद नहीं आ रहा कि कौन से डेट पर एडवांस बुकिंग को अनाउंसमेंट किया जाएगा और किया जाने वाला था फिलहाल तो अभी डेट नहीं याद आ रहा है पर हाँ इस फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द की जाएगी एडवांस एडवांस बुकिंग को लेकर और इसके साथ ही फिल्मिंग अभी काफी सारी चीजें जिनके ऊपर अभी बात नहीं कर पाए भाई तो चलिए उसके ऊपर बातें कर लेते हैं प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सितंबर साल सत्रह को रोहित किया डायरेक्टोरियल फिल्म के साथ एंडीलमेंट था 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 को एंड उन्होंने लिखा एंड डायरेक्ट भी किया था ये भी अजय देवगन फीचर हैं एंड उसके साथ ही बाद में रिवील किया गया कि प्रोडक्शन डॉट बट डिड नॉट रिवील जनवरी सोलह बीस को अजय देवगन ने हिंट दिया था वर्क को

एंटेगनिस्ट ले, उसके अलावा अक्षय कुमार रणबीर सिंह एंड और रिपोर्ट आया कि नवम्बर को उनके पुराने फिल्म को जो कैरेक्टर कि सिम्बा का उनका भी कैरेक्टर रिप्राइज हो रहा होने जा रहा है इसके साथ ही एक दिसंबर साल बीस को कोलेवरसन सेट्टी के साथ से अनाउंसमेंट किया था प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियली और फिल्म के टाइटल को अनाउंसमेंट किया था अनाउंस किया था प्रोडक्शन करके एंड उसको नाम दिया गया था एंड जैसे वो ने फिनिश किया था वोला फिल्म की शूटिंग जो कि साल फिल्म तेईस में आई थी इसके साथ ही कास्टिंग की अगर बात करें तो अजय देवगन करीना कपूर खान अक्षय कुमार रणबीर कपूर जगह सर अपने दयानंद सेट्टी एंड अदर जो रिमेनिंग के एक्टर्स थे उनको रिप्राइज किया गया था रिस्पेक्टिवली उनके रोल्स के लिए प्रीवियस फिल्मों के लिए जो कि कॉफी यूनिवर्स में किया गया था दीपिका भट उन टाइगर शराब एन श्विता तिवारी की अगर बात करें जो कि ऐड किया गया इस फिल्म के लिए लेटर अर्जुन कपूर का जो रूप के फरवरी सात होतीस में आया था कि वो उस फिल्म से बाहर है पर उनका कैरेक्टर रिपोर्ट आया कि नहीं श्री लंकत मिलिटेंट के वो कैरेक्टर मूवी में है सप्टन साल बाईस में चौबीस में रूमर्स ये भी था कि सलमान खान लाइक रूमर्स फैल रहे थे कि सलमान खान का के होगा पर चुलू पांडे का लेटर ये कंसिडर किया था सलमान खान को पर नहीं था पर फ्यू डेज लेटर ये कंफर्म हो चुका था उसका कंफर्म उस है एंड दोस्तों मूवी के फिल्मिंग की अगर बात करें तो पिंसल फोटोग्राफी को सप्टन साल तो इसमें रखा गया था मुहूर्त पूजा रखा गया था इसरा स्टूडियो मुंबई में एंड फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल था उसको से लोकेशन में भी किया गया जिसमें कि रणबीर सिंह एंड ऑल्सो शेड्यूल में थे और सुविधा तिवारी भी ऑलरेडी ज्वाइन थे गवर्नर ऑफ करीना कपूर भी थे सेकंड शेड्यूल की बात करें तो पाँच अक्टूबर हैदराबाद को रखा था जो कि मेजर पोस्ट ने उन्होंने शूट किया था एंड ऑल्सो कास्ट मेंबर थे एंड करीना कपूर भी ऑलरेडी ज्वाइन थे एंड छः अक्टूबर अजय देवगन को अक्षय कुमार को रिवील किया गया टाइगर श्रॉफ का एंड अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को क्या हुआ था रैप अप क्या है उनके पोषण को एंड रणबीर कपूर रैपअप किया था उनके खुद के पोषण का सेकंड शेड्यूल से को रैप अप किया था सात नवंबर को फिल्मिंग रिज्यूम हुई थी उन्नीस नवंबर को जिसमें कि महादायलैंड में शूटिंग महाद लोकेशन सीन्स रखे गए थे जिसमें कि फेयर हंड्रेड एक्टर्स को रोप किया था सेंस भी रिक्वायर्ड किया था जो कि यूज कराउड दिखाया था लास्ट वीक के नवंबर में तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई है भाई और इसके अलावा फरवरी सालों चौबीस में टाइगर शरफ का जो अप था सीन से ऑलरेडी फिल्म सिटी में उसको फिल्माया गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के एंड फाइट सीक्वेंसेस को भी यहाँ पर शूट किया गया था जिसमें कि अजय देवगन से देव गोिता इंक्लूडिंग थे और करुणा कपूर खान अर्जुन कपूर पर थे थर्ड वीक ऑफ अप्रैल दो चौबीस को अक्षय कुमार के द्वारा रिमेन किया उनकी पोजिशन का जो सीन बाकी था उन्होंने शूट किया था राजो रामोजी फिल्म सिटी में दीपक अवॉर्ड उनको ऑलरेडी सीन्स थे जहाँ पर गोल्डन टेम्बल को फैक्ट्री में उसको शूट किया गया था तो ये था बाकी कश्मीर के शॉट लिए गए थे जितेन का था से एडिसन से किया गया था पनवेल में तो काफी सारी चीजें जो कि मेकर्स ने ट्राई किया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोकेशन में इंडिया में ही रखा हुआ जो कि मेजर पोर्स है एंड इंडिया के अंदर शूट किया गया तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी बाहर की कंट्रीज में तो को तो शूटिंग तो नहीं किया हुआ है जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगा है एंड जो था मैंने तो ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि हाँ मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड जो फिल्म की शूटिंग हुई है लाइक जो हुई है शूटिंग दीवाल में लाइक उसको शूटिंग नहीं कहेंगे ब्रो उसको कहेंगे क्या कहेंगे ब्रो रिलीज डेट हाँ रिलीज डेट शेड्यूल्स है सो मेकर्स का तो ये प्लान है बाकी देखते हैं कि ये सभी चीजें कब और कैसे अच्छी जी फाइनलाइज होता है मेकर्स तो टारगेट तो कर रहे रिलीज़ करने का बाकी ये फिल्म अगर सफल होता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि हाँ कलेक्शन तो अच्छी रिपोर्ट अगर निकल कर आते तो मान के चलना कि फिल्म बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये करेगी इतना तो कन्फर्म है भाई एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो फिल्म को लाइक एक्साइटेड तो है कि हाँ उनकी फिल्म चले ये हो वो, वो ये है सो so, ऑलमोस्ट काफी सारे वीडियोस है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या था क्या नहीं है सो so, ये था वीडियोस आई थिंक वीडियोस को ख़त्म करने का टाइम आ चुका बिकॉज बताने लायक कुछ है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। बाकी फिल्म की कलेक्शन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हाइप जिस हिसाब से तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा ओपनिंग ले सकती है मूवी और दिवाली भी है ऊपर से लाइक क्लास है तो क्लास जहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा पर ये लगता है कि अगर अच्छे नंबर आएंगे ओपनिंग अच्छे करेंगे कलेक्शन के तो लेट्स ही देखते हैं कि कैसा रहता है कलेक्शन वगैरह एंड दो एक दिन में फिल्म की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट वो तो भी आना स्टार्ट हो जाएगा कि फिल्म का एडवांस बुकिंग लेवल में कैसा है नहीं है किस हिसाब से कलेक्शन किया हुआ कर रही है तो डेफ़िनेटली वो एडवांस बुकिंग में भी हमें सभी को पता चलने वाला है फिलहाल तो ये है बाकी हाँ फिल्म की फ्रेमाइज के बारे में बता चुका हूँ कास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ और बात रही फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की म्यूजिकल डिपार्टमेंट की हाँ तो उसके ऊपर अभी भी नहीं बात कर पाए बिकॉज चीज़ें सही नहीं है लाइक चीज़ें सही है इसमें

कर देंगे तो देखते हैं कि ऑलरेडी तो चार वीडियो और ये इस वीडियो को मिलाकर चार वीडियो है तो, तो देखते हैं कि चारों वीडियो को अपलोड कर पाता है कि नहीं अपलोड कर पाता हूँ कि नहीं एडिट हो जाता है टाइम पे तो डेफिनेटली वीडियो तो आ जाएगी आप लोग देख ही लेना बाकी दो बजने को है पर अभी भी रिकॉर्डिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है आई थिंक नौ बजे से बैठा हुआ नौ दस नौ दस ग्यारह तो जी सो सिंगम अगेन फिल्म सिंगम अगेन फिल्म और ये फिल्म है अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको की लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों रोहित शेट्टी ने जिसको की प्रोड्यूस की जाएगी को प्रोड्यूसर उनके अंडर द प्रोडक्शन बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर्स उसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियो एंड अजय देवगन फिल्म जिसके स्टार्स में आपको नजर आएंगे अजय देवगन के अलावा आपको नजर आएंगे करीना कपूर खान रणबीर सिंह अक्षय कपूर सॉरी अक्षय कुमार दीपिका पाडुकुण टाइगर शरफ अर्जुन कपूर एंड जेके शरफ एंड मैं आपको

ये यहाँ पर मुंबई हैदराबाद कश्मीर एंड श्रीलंका में शूट किया हुआ है जिसको की रिलीज शेड्यूल है नवंबर एक नवंबर सात चौबीस को जो कि कंसीडरिंग किया जा रहा है दिवाली को जो रिलीज डेट है ऑलरेडी आप सभी को है क्लैश है सो so क्लैश के ऊपर भी बात करेंगे दयानंद सेट्टी श्वेता तिवारी सिद्धार्थ जावेद एंड रवि किशन एंड ऑलरेडी सलमान खान का कैम ऑलरेडी हो चुका है एंड कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर लेते कि कौन सा क्या किरदार है तो अजय देवगन डी सी पी बाजराव सिंह के रोल में जाएंगे करीना कपूर खान आपको इस फिल्म में कर्म अवनी कमवत सिंघम सिंगम की वाइफ की रोल में नजर आएंगे जो रिटर्न में उनकी कैरेक्टर थी वही रिटर्न कर रही है इस फिल्म में भी रणबीर सिंह एसी सिंघम सिंगम संग्राम सिम्बा के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार अक्षय कुमार आपको इस फिल्म में वीरा के रोल में नजर आएंगे डीसी वीपिका पॉडु शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगे टाइगर शरफ ई वली के रोल में नजर आएंगे अर्जुन कपूर आपको इस फिल्म में डेंजर लंका के रोल में नजर आएंगे जेकी शरफ आपको इस फिल्म ओम हाफीज के रोल में नजर आएंगे दयानंद शेट्टी सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में नजर आएंगे श्विता तिवारी शुरुति बक्षी के रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ जावेद आपको इस फिल्म में सीनियर इंस्पेक्टर संतोष के रोल में नजर आएंगे रवि किशन आपके मिनिस्टर के रोल में सलमान सर का चुलवल पांडे के कैरेक्टर स्पेशल अपीयरेंस मूवी में है तो ये है कैरेक्टर कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ एंड फिल्म की अगर तो बात करें डिजिटल राइट्स की तो उसके ऊपर भी बात ही लेते हैं तो फिल्म की जो डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ प्राइम वीडियो ने 130 करोड़ रुपए में तो एक सौ तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को सोल्ड आउट किया हुआ है सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो फिल्म का हाइप एंड एक करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं दोस्तों एंड फिल्म की बजट की अगर बात करें तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है तीन से लेकर तीन करोड़ के आसपास फिल्म का बजट है तो मेसी फिल्म का बजट है और देखने काफी इंटरेस्टिंग है और आप सभी को है फिल्म का जब ट्रेलर को रिलीज किया गया तो ऑलमोस्ट पांच मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है लाइक like, अमेजिंग था ट्रेलर लोगों को पसंद आया एंड लोगों कुछ लोगों का मिक्स मिक्स रिव्यूज भी रहे पर आई मैं आपको बताऊ तो ट्रेलर मुझे काफी कमाल का लगा था एंड ट्रेलर में भी हम लाइक हर कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है ऑलरेडी हमें दिखा चुका है जो कि काफी अच्छा था सीबी के इंट्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया थे सो तो वो काफ़ी इंजॉय enjoy, इंजॉयबल थे ट्रेलर में और साथ ही फिल्म के अंदर ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रैक्ट भी दिखाए गए जो कि काफी ठीक ठाक ही है पर ओवरऑल फिल्म की अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ट्रेलर काफ़ी

तो देख ही सकते हो कि हर एक्टर को लाइक बड़े बड़े एक्टर को तो ट्रेलर में जगह देनी चाहिए एंड बिकॉज ये फिल्म काफी यूनिवर्स में है एंड सभी यूनिवर्स लाइक सभी को लाइक इस uh, सिंग एम रिटर्न में लाइक किया हुआ जैसे कि आप एवेंजर्स फिल्म में लाइक आप कह सकते हो कि सभी कैरेक्टर को एक फिल्म में एग्जुट किया हुआ है तो सभी को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी भी है तो सेम माइंडसेट के साथ फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया हुआ है एंड उसी के साथ फिल्म के एडिट किया हुआ है जिस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट फाइव मिनट फाइव मिनट का ट्रेलर आप सभी को नज़र आया एंड मेरे ओपिनियन है ट्रेलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है बाकी आप हमें बता सकते हो कि ट्रेलर आपके लिए ट्रेलर आपके लिए कैसा था एंड ट्रेलर आपको देखते वक्त क्या फील आ रहा था किसी हिसाब ने किसी हिसाब ने लाइक किस तरह की एक्सपीरियंस आपको मिला है ट्रेलर देखते वक्त तो ये डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हो एंड मुझे ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा है एंड जो था मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे चुका हूँ रिव्यू भी दे चुका हूँ ब्रेक डाउंड तो ऑलमोस्ट दे ही चुका हूँ एंड ट्रेलर में भी फिल्म की कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है क्या है क्या होने वाली है तो बेसिकली जो कहानी हमें दिखाई गई है जो ट्रेलर लेवल पर भी हमें दिखाई गई है और आप सभी को बताया कि रोहित शेट्टी फिल्मों के अंदर माश मसाला एक्शन मतलब काफ़ी बढ़िया होती है एंड इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के साथ एज ए राइटर के तौर पर डेब्यू भी किया हुआ तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि और किसी हिसाब से राइटिंग हालाँकि डायरेक्शन तो उसकी काफ़ी कमाल ही है पर देखते हैं कि राइटिंग में उनकी किस हिसाब से योगदान रहने वाला है एंड रहेगी राइटिंग में सो so, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखते हैं क्या होता है फिल्म कैसे निकल कर आती है बेसिकली ट्रेलर में या फिर मूवी में कि कि जो कैरेक्टर है जो सिंगम सिंगम, उसी के को लिखी हुई है लाइक उसी को बचाने का काम हर एक कोई करने वाला है ट्रेलर में तो हमें यही दिखाया जा रहा है बाकी आ, क्या और ट्विस्ट है टंस्ट है की नहीं हालांकि ट्रेलर लेवल तो यही दिखा आएगा। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि ट्रेलर में काफी सारी चीजें ऐसी है जो मतलब छुपाई जाती है काफी हद तक चीज़ों को मेकर्स यही रखते हैं कि काफ़ी। जितना हो सके चीजों को कम बताए और कम बताए पर इम्पेक्ट फॉलो तो मेकर्स का ये हमेशा रहता है हर एडिटर ट्रेलर डायरेक्टर का यही रहता है कि हाँ उनकी फिल्मों को लोग थिएटर्स आके कर देखें एंड वो जो सरप्राइजेस है वो थिएटर्स में ही पता चले ना कि ट्रेलर में तो हर कोई ऐसा ही चाहता है इसी इसी माइंड के साथ रिलीज भी किया गया है पर फिल्म को त, फिल्म की जो ट्रेलर से ट्रेलर्स लाइक जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट अगर हुई थी जब सुनने को मिला था कि पाँच मिनट का ऑलमोस्ट ट्रेलर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पर जैसे सर ट्रेलर निकल के रहा था फाइनली ट्रेलर लोगों को इम्प्रेसिव करने में पूरी तरह से भी कामयाब हुआ है पर कुछ ऐसे लोग थे जो मिक्स उनका रिव्यू रहा पर ऐसा नहीं कि गलत है पर कहा तो सही है कि हाँ ये है एंड बेसिकली कैरेक्टर जो है वो काफ़ी थे बाकी देखते हैं कि करीना कपूर को कैरेक्टर का बचाने के साथ साथ और कई सारे मुद्दे नज़र आते हैं कि नहीं क्या होता है नहीं होता है तो ये तो इंटरेस्टिंग है बाकी कॉफी यूनिवर्स की जो फिल्म आई है ऑलमोस्ट इसमें लेकर फाइव फिल्म है तो ये है और इंटरेस्टिंग है कि सलमान खान का जो कैम्यू है चुलबुल पांडे का तो उसको किसी हिसाब से फिल्म में प्रेजेंट किया जा रहा सुनने में आ रहा है कि उसको पोस्ट क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट या फिर क्रेडिट सीन में उनको लाइक इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैरेक्टर को छोटा सा लाइक अपीरियंस है तो ये देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेशली अगर मैं मूवी को देखूंगा तो सलमान सर के लिए सलमान सर के लिए बिकॉज मैं बिगेस्ट फैन हूँ सर का तो यही है बाकी उन्हीं के लिए देखूँगा बाकी तो, हालांकि उनका कैम था और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ बाकी पहले से तो था पर स्पेशली कैम्यू के लिए काफ़ी था मैं इंटरेस्टिंग हूँ कि क्या लाइक क्या माहौल रहने वाला है थिएटर्स में तो ये एक अलग लेवल का है एंड क्लास केस क्लासेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं और आप सभी को पता है कि दिवाली दिवाली का रिलीज डेट शेड्यूल है एंड आप सभी को पता है कि इस डेट पर आप पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुले यात्री भी आ रही है एंड उस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो डेफिनेटली उस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है चाहे ट्रेलर को हो या फिर टीजर को लोगों काफी की तरफ से काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिला है ऑलमोस्ट इस हिसाब से लेकर ट्रेलर को मतलब रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ है तो लोग ऑडियंस तो दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड है पर मैं ज़्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बाकी लोगों का तो पता नहीं पर मैं अपना इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज हॉर कॉमेडी फिल्में कुछ मुझे खास जमती नहीं है एंड जमती भी है पर कॉमेडी होनी चाहिए तभी जमती है पर बाकी ऐसे कॉमेडी हॉरर वगैरह मतलब वही होती है एंड ऑलरेडी बुलबुला या वन को तो ऑलरेडी देखा ही है और <coughs> टू को तो ऑलरेडी देख ही चुका हूँ तो ये है सो ये हैं बाकी लेट्स से क्या होता है कौन सी फिल्म बाजी मारती है पर आज के हिसाब से जिस लाइक हालांकि इतनी बड़ी फिल्म है तो ऑलमोस्ट कलेक्शन तो करेगी ही और इसके साथ ही फ़िल्म की अगर कहानी अगर और अच्छी निकल जाती है तो एक्सपेक्ट करना कि फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी हो सकता है कि पाँच सौ करोड़ भी क्रॉस कर सकती है या फिर उससे प्लस ही कर सकती के है अगर अच्छा फिल्म का कंटेंट अगर काफ़ी अच्छा है इस्पेसली फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अगर स्ट्रॉन्ग आता है पॉजिटिव आता है तो देख लेना फिल्म काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करेगी ये फिल्म एंड इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की प्राइमर्स की लाइक प्रीमाइज़ की के किसी हिसाब से कहानी दिखाएगी तो ये कहानी दिखाई दिखाई जाएगी बाजीराव सिंघम को रावण में छिपे सुरागों और विवरणों का अनुसारण करना होगा जब उनकी पत्नी अवनी को आतंकवादी एजेंट लंका द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो इसी से रिलेटेड है और उनकी बीबी के साथ साथ तो आतंकवादी का भी दिखाया क्या है क्या, है क्या नहीं आई डोंट नो पर ट्रेलर काफ़ी अच्छा था पर ये था फिल्म की प्रेम है लाइक uh, प्रीमाइज़ की अगर बात करें तो प्रीमाइज़ यही था जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ एंड ओ के बारे में बात करी लिया कि जो ओ डील हुई है काफ़ी मैसिव हुई है एंड शायद ही मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी बड़ी जो डील हुई है मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है आप एक्सपेक्ट तो करिए एक करोड़ कम नहीं होते भाई एंड एक करोड़ अगर थ्रेटिकल राइट्स बेच कर और डिजिटल राइट्स है सेटेलाइट राइट्स है तो डेफिनेटली कहीं ना कि ऑलमोस्ट की अगर बात करिए अगर एक सौ तीस करोड़ रुपये में अगर इस फिल्म की ओ राइट्स अगर सोल्ड आउट हुई है तो आप मान के चल ही सकते हो कि ऐसे लाइक like, थिएटिकल तो हो ही जाएंगे लाइक like, कलेक्शन तो हो ही जाएंगे लाइक like, ओ से ही ओ टी है और अगर ओ के राइट्स तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर के ही पास ही जाएंगे एंड सेटेलाइट उन्हीं के पास जाएंगे म्यूजिक राइट्स उन्हीं के पास जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हाँ ऑलमोस्ट ढाई सौ करोड़ का तो लाइक रिकवर हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है सो ये मैं मानता हूँ बाकी सेटेलैट की अगर बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों मुझे सेटेलैट के बारे में नहीं पता है कि कौन से सेटेलैट लाइक कंपनी के पास स्प्रम के, के राइट्स है तो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है पर आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर दोस्तों मुझे अगर पता चलता है या फिर इसके बारे में मुझे मालूम होता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा इसकी अपडेट देने की जहाँ तक मुझे लगता है कि जी सिनेमा है जी सिनेमा ये हैं जो कि इस फिल्म के उनके पास है क्योंकि जी सिनेमा जी सिनेमा ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है जी सिनेमा के पास इस फिल्म की सेटेलाइट राइट्स राइट्स हैं तो आप जब भी, भी इस फिल्म को प्रीमियर की जाएगी तो ये फिल्म आपको सिर्फ प्रद जी सिनेमा के सैटेलाइट चैनल पर ही इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी तो ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो ही चुका है कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर इस फिल्म का आपको प्रीमियर देखने को मिलने वाली है और आप सभी को बताया कि हर कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टर पोस्टर को भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था सभी के ही कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज हुए थे लाइक अक्षय कुमार हो या हो दीपिका पाडुकोण हो टाइगर श्रॉफ हो अर्जुन कपूर हो लाइक सभी का कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज किया हुआ है एंड चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर आई थिंक सभी को बचाने का काम करेगा ही एंड कलेक्शन कलेक्शन को भी बचाने का काम करेगा मुझे जहाँ तक तो जी हाँ सो सिंगम अगेन मूवी कैसी है हालांकि रिव्यू तो नहीं दिया हुआ है पर ट्रेलर वगैरह की रिव्यू ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है हाँ प्रिडिक्शन कलेक्शन एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में नहीं बात किया कि कितना कलेक्शन कर सकी है ओपनिंग डे कितना करेगी ये फिल्म ये तो नहीं बताया पर एटलीस्ट बता ये तो बताया हो कि हाँ कर सकता है पर कितना बताया अमाउंट बताया कि नहीं इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और क्या था भाई और हाँ फिल्म की क्या क्टर हो परफॉर्मेंस को ट्रेलर को तो रिव्यू किया हुआ लाइक छोटे मोटे जो फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं और क्या था भाई और क्या सभी को बताया तो ये थे जो 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 चीजें थी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर सभी चीजों को कवर किया हुआ है तो आई होप कि आज का हमारे पसंद आज का हमारे वीडियो पसंद आता था तो वीडियो को आप सभी लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूं तब तक के लिए बैंड टेक केयर